हेलो। हाँ जी, सो हे गाइस, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, एंड वंस अगेन वेलकम टू अद्वैत चरण अंकन भाई। आवाज प्रॉपर है? इफ माय वॉइस इज कमिंग प्रॉपरली, एक बार थंब दिखा दो। इफ माय वॉइस इज कमिंग प्रॉपरली बच्चा, थंब दिखाओ जल्दी से फटाफट, एंड देन वी विल गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। ठीक है, चलिए। तो अ वेरी वार्म वेलकम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। आवाज प्रॉपर है? सब कुछ प्रॉपरली दिख रहा है बच्चा? एक बार थंब दिखाइएगा सभी लोग। यस सर जी, ग्रेट, ओके ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड अगेन अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन, एंड आई होप सब कुछ प्रॉपर चल रहा होगा। ओके ग्रेट। देखो बेटा क्या है, आज जो थोड़ा ड्रेस कोड है वो बेटा क्या है, व्हाइट है। ठीक है बच्चा, तो वही व्हाइट करते करते थोड़ा टाइम हो गया, बट आई होप बेटा अब तुम लोग को व्हाइट व्हाइट सब दिख रहा होगा। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट किया जाए। यस सर जी, बिल्कुल। अच्छा बेटा एक बताइएगा, यहाँ तक आपको फोटो यही तक दिख रही है ना बेटा? स्क्रीन से तो नहीं दिख रहा है? ठीक है, आपको फोटो यही तक दिख रहा है ना? बस तो यही तक दिखना चाहिए, ठीक है ना बच्चा? ओके ग्रेट। तो एक बार मुझे चेक कर लेना था कि तुम लोग कहीं और कुछ तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो ग्रेट। तो एज यूजुअल देखो बेटा क्या है कि व्हाइट अर्जेंट में एकदम व्हाइट टी शर्ट चाहिए था, तो कहाँ से लाया जाए? ठीक है भैया, एक पुरानी सी टी शर्ट शर्ट पड़ी हुई थी, उनका उठाते हैं तो पहनते हैं तो भैया वो सब यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जा रहा है शर्ट को पता नहीं चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, शर्ट्स आएंगी जाएंगी बेटा, सिलेक्शन जरूरी है। और आइए बेटा सिलेक्शन की पढ़ाई करते हैं, कुछ सीखते हैं और कुछ जानते हैं, और भैया इसको थोड़ा मोड़ लेते हैं, नहीं तो सोच रहा ये परेशान करेगा पूरे लेक्चर पर। ठीक है, चलिए। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले बेटा एज यूजुअल याद रखिएगा बेटा, आजादी भी बहुत मेहनत करने के बाद ही मिली थी। ठीक है बेटा, और ध्यान रखिएगा सिलेक्शन भी बेटा मेहनत करने के बाद ही मिलेगा, ये मत सोचना कि हाँ मिल जाएगा। अब बेटा कोई नहीं देखता कि तुमने कितना संघर्ष किया जब तक कि तुमको सफलता ना मिले, इसे ध्यान रखिएगा। संघर्ष बेहतरीन तरीके से करिए, मस्त तरीके से करिए बेटा, और खेल जाइए। ठीक है, देखो बेटा क्या है, जो लोग भैया जो लोग फेमस थे उनका नाम हो गया। भैया आजादी में खाली 4-5 लोग हिस्सा नहीं लिए थे ना बेटा, पूरा इंडिया हिस्सा लिया था, है ना? लेकिन भैया अभी तक तुमको किसका किसका नाम याद है? खाली फेमस फेमस लोगों का नाम याद है। क्यों? क्योंकि बेटा वो सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, वो सेलेक्ट हुए थे भैया, पूरे इंडिया की जनसंख्या आजादी में लड़ गई थी, सबने बेटा अपना कंट्रीब्यूशन किया था। लेकिन कितने लोग को लोग याद किए हैं? खाली वही गिने चुने जो लोग हैं उनको याद किए। तो बेटा इसी तरह आप सभी लोग एग्जाम दोगे, सभी लोग एग्जाम दोगे, याद किसको रखा जाएगा कि हाँ फलाने का लड़कवा जो था, मिश्राइन का लड़कवा और शर्माइन का लड़किया का हो गया और सब रह गए। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा पढ़ाई को पूरी तरह से एफर्ट डालिए बेटा, मेहनत सब करते हैं, जिसका सिलेक्शन होता है बेटा लोग उसको याद रखते हैं, तो भैया आइए पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो। तो आइए सबसे पहले बेटा यहाँ पर थोड़ा सा हम रहते हैं, भैया देखो दिस इज अवर फ्लैग, और इस फ्लैग के लिए बेटा हमेशा दिल में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा और थोड़ा सा बेटा बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में, अनअकैडमी के भी लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट होना चाहिए बिकॉज बेटा जॉब हम लोग की। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ओके सर जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा हमने अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर तुमको ज्ञान दे देते हैं बेटा, ज्यादा ज्ञान नहीं, थोड़ा सा ज्ञान तो जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भैया इंडिपेंडेंस है। अच्छा सर जी, ठीक है, और इंडिपेंडेंस है तो भैया थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये बच्चे हैं जो कि भैया इंडिपेंडेंस में कहीं जॉब कर रहे होंगे सिलेक्शन पाके, तो भैया आपकी बारी है कि भैया अपना एक गोल बनाओ कि अगले इंडिपेंडेंस में अब हमारी बारी है, हम सिलेक्शन लेके अगला इंडिपेंडेंस मनाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके सर जी, तो ये ध्यान रख के बेटा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, अनअकैडमी के डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द क्लास, क्लास की पीडीएफ आपको, वर्कबुक, एंड एक साथ कई एग्जाम की तैयारी, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं आप लोग को अनअकैडमी के प्लस क्लास में। उसके बाद यहाँ बच्चा क्या है आपका, दिस इज नथिंग बट योर डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस फॉर विच दिस इज द फी स्ट्रक्चर, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू परचेज द कोर्स, बेटा ये कोड हमेशा दिमाग में रखिएगा GA1111, और कोई भी दिक्कत होती है ये नंबर दिया हुआ इस पर कॉल कर लेंगे। ओके भाई ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटा क्या है, अगेन दिस इज द सेम थिंग, और ये बेटा क्या है, ऑल इन वन बैच है जो कि बेटा स्टार्ट हो रहा है, और इसमें बेटा आपको क्या मिल जाएंगे, ये सारे टीचर्स गाइड करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी बेटा पढ़ाई करनी पड़ेगी सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा ये क्या है आपका, दिस इज द डिफरेंट ड्यूरेशन क्लासेस बेटा, ये आपका क्या है बेटा शेड्यूल है पूरा कोर्सेज का। तो बेटा यहाँ पर जो कोर्स नया अभी स्टार्ट हुआ है वो 11 अगस्त से स्टार्ट हुआ है बेटा, और वो आपको पूरा जनवरी तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे डिफरेंट टीचर्स जो सब्जेक्ट लेने वाले हैं बेटा, उसका शेड्यूल आपको पहले से ही मिल जाता है, जिससे तुम लोग को एकदम प्लान तरीके से आगे एग्जीक्यूट करते हो।
ये रहा एसएससी जेई के बारे में। भैया एसएससी जेई के बारे में हम कहेंगे बस एक ही चीज याद रखो, क्या भैया 1/3 क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, बस ये ध्यान रखिए, यही बस इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बकैती है, ठीक है। चलो उसके बाद दिस इज द एआई बैच, जो कि बेटा क्या है आपका बीटेक वाले बच्चों के लिए है। तो भैया बीटेक वाले बच्चे जो है बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है, अपना भी ध्यान रखते रहिए और फैमिली का भी ध्यान रखने के लिए सिलेक्शन ले लो, ठीक है। चलो ओके सर जी, एंड याद रखिएगा एआई बैच के लिए आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएंगे, कहां बेटा अनअकैडमी पर, बस ये कोड हमेशा दिमाग में रखिएगा GA1111, ठीक है। तो चलो बच्चा अब यहां से थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं जो कि जरूरी है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले ओके ग्रेट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो आइए बच्चा स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम के लिए जरूरी है बेटा वो पढ़ते हैं, ठीक है। ओके सर जी, ठीक है। चलो तो भैया देखो, चाहे तुम डिप्लोमा की हो चाहे बीटेक की हो, ठीक है, जब भी कंपनी में बैठते हो एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है बेटा, पूछता है कहीं भी तुम जाते हो या जॉब करोगे, पूछेगा भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वही बेटा रटा रटाया आंसर होता है, सर जी देखो क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, हम लोग हाई रेटिंग ऑफ वोल्टेज पर काम करते हैं और फ्रीक्वेंसी लो रखते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग भैया हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं और कम वोल्टेज पर काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी हाई होती है वोल्टेज कम होता है, इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज हाई होता है फ्रीक्वेंसी कम होता है, यही सब जोड़ जाड़ के बोल देते थे भैया, उससे हाँ भैया नंबर मिल जाएगा। ये किया होगा आप लोगों ने, बोलो यस और नो, जी सर जी बिल्कुल किया है। तो देखो बेटा क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है आपको भी पता है भैया वो क्या है, आपका हाई फ्रीक्वेंसी पर हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है वो ऑपरेट करते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इलेक्ट्रॉनिक्स का ये है बेटा कि उसको हम हाई वोल्टेज पर ऑपरेट नहीं कर सकते, यही थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन भैया उस पर भी काम चल रहा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आ रहे हैं जो कि भैया इलेक्ट्रॉनिक्स का वोल्टेज रेंज को भी बढ़ाया जा रहा है कि भैया तुमको हम बनाए हैं काम करने के लिए, तो भैया काम होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बेटा क्या होता है, बेसिकली अगर तुमसे कोई पूछता है भैया इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है, आप कहोगे सर जी बेसिकली इन इलेक्ट्रिकल वी यूज हाई रेटिंग ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इज वेरी मच लो, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वी यूज क्या बेटा, वी यूज हाई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बट देयर ऑपरेटिंग वोल्टेज इज वेरी वेरी लो, बस यही ध्यान रखिएगा। बाकी बेटा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं बच्चा, आई नो आप लोगों को बहुत कुछ आता होगा लेकिन भैया बहुत कुछ और भी जानने की जरूरत है तभी ना सिलेक्शन होगा, अच्छा ठीक है। तो भैया आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक को बेटा, और उसको स्टार्ट करने से पहले भैया क्या, सेमीकंडक्टर, हां सर जी यही तो है मेन, भैया यही ना है सेमीकंडक्टर मेन, हां सर जी यही है, ये हम दो चार्टो यहां पर लगा दिए हैं डिवाइस ताकि अच्छा दिखे और इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना कि हां ये भी सिलेबस में है क्या सर जी, ऐसा मत कहना सर जी सिलेबस में क्या, नहीं बेटा ये हम बस लगा दिए हैं भौकाल दिखाने के लिए, हम लोग पढ़ने वाले है ना, तो ये सब क्या है बेटा खाली ऊपर से ऊपरी ऊपरी है, इसको बारे में सोचिएगा, ठीक है भैया। मेन क्या है, सेमीकंडक्टर, अच्छा भैया तो देखो बेटा क्या है, हमको ये स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक टूल्स हमको आना चाहिए, वो बेसिक टूल्स क्या है बेटा, वो ये रहा क्या भैया, बैंगन ले आलू, अच्छा सर जी क्या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हो कि ये साइंस चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बेटा देखो ना वो वेलकम मूवी नाना पाटेकर, आलू ले लो बैंगन ले लो, देखो ना बेटा, तो बेटा तुमको ये याद रखना है बैंगन आलू गाजर इन थैला, क्यों भैया इंपॉर्टेंट है, ये समझो कि भैया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में तुमको कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए, उसमें से एक ये चीज बैंगन आलू गाजर इन थैला, अच्छा भैया थैला, अच्छा ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैला नाना पाटेकर की मूवी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन मतलब क्या भैया बोरॉन, ठीक है बच्चा, आलू मतलब क्या भैया आपका एल्युमिनियम, गाजर मतलब गैलियम, इन मतलब इंडियम, और भैया थैला मतलब आपका बेटा क्या आपका थैलियम, बेटा याद रखिएगा बेटा ये आपका थैलियम हो गया, तो ये तुमको दिमाग में रखना है, बोलो यस और नो, जी सर जी बिल्कुल, क्यों सर जी इसको क्यों याद रखना है बेटा, काम देगा अभी बेटा इसका बड़ा काम आएगा, ठीक है सर जी बड़ा काम आएगा, हाँ बेटा एग्जाम में ये जो चुटपुटिया वाले क्वेश्चंस होते हैं बेटा वो इन्हीं से सॉल्व होंगे, अच्छा क्या बैंगन आलू
गाजर इन थैला, ठीक है भैया। ओके सर जी, ठीक है, ये हम लोग को याद हो गया, तुम लोग को याद हो गया। यस सर जी, हम लोग को भी याद हो गया है थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा याद कर लेंगे और भी। जी सर जी बिल्कुल सही, क्यों याद करवा रहे हैं, क्यों याद करवा रहे हैं, जरूरी है बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए बेटा। ये क्या है तुम्हारे, ये आपके जो एलिमेंट है वो बेटा क्या है, इनके आउटर मोस्ट में क्या होता है बेटा, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, सबसे बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तीन, तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइवेलेंट बेटा, क्या कहते हैं इसको हम लोग, ट्राइवेलेंट एलिमेंट, क्या कहते हैं भैया इसको हम लोग, ट्राइवेलेंट एलिमेंट, बोलो यस सर नो, दिमाग में रहेगा, यस सर दिमाग में रहेगा, क्या भैया, ट्राइवेलेंट एलिमेंट भैया। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन ठो, किसमें, सभी में, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, इन सभी के आउटर मोस्ट में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा, दिमाग में वहां पर ऐड करके रखिएगा इसको, ठीक है, बहुत काम देगा। अभी हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, एक ये तुम्हारा बेसिक, ठीक है भैया। और बैंगन आलू वाला मूवी कौन सा था, नाना पाटेकर का था, तो भैया नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, अच्छा भैया सब भिखारी नहीं बेटा, बोल देते हैं क्या जाता है, याद करना है ना बेटा, तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब भिखारी, अच्छा भैया, नाना मतलब क्या भैया, नाइट्रोजन, अच्छा भैया, पाटेकर मतलब क्या भैया आपका, फॉस्फोरस, अच्छा भैया, ऐश्वर्या मतलब क्या भैया यहाँ पर आपका, आर्सेनिक, ये भैया क्या आपका, बिस्मत, एसबी मतलब बिस्मत, और भैया भिखारी मतलब क्या भैया आपका यहाँ पर एंटीमनी और ये बिस्मत बेटा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यही दो चीज आपको बस बेटा याद करनी है, बाकी बेटा उसके बाद हम लोग धमाल मचा देंगे। ये तुमको याद करना है, नाना पाटेकर और कौन बच्चा आपका, ऐश्वर्या सब भिखारी, ठीक है। तो नाना मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस भी, अच्छा भैया ऐश्वर्या मतलब यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर आपका ये बेटा क्या आर्सेनिक है, फिर बेटा बिस्मत है, फिर यहाँ पर क्या एंटीमनी है, तो ये तुम लोग याद कर लेगा बेटा, जरूरी है बिकॉज इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी बेटा आपका एलिमेंट है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी बेटा, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये आपके बेटा क्या है, ये आपके पेंटावेलेंट एलिमेंट है बेटा। ये क्या है बेटा, पेंटावेलेंट एलिमेंट है। सर जी पेंटावेलेंट क्या होता है भैया, जिसके आउटर मोस्ट में क्या होता है बेटा, जिसके आउटर मोस्ट में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके बेटा क्या होता है, आउटर मोस्ट में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन का बेटा क्या होता है, एटॉमिक नंबर 7, इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 5, मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, पांच है। अच्छा, सेम इज द केस विद फॉस्फोरस, अब बेटा आपका आर्सेनिक बिस्मत एंटीमनी बेटा बेटा सबके साथ, सभी के आउटर मोस्ट में क्या होता है बेटा, पांच इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो ये दोनों बेटा आपके जो ग्रुप है ये तुमको याद करना है, बिकॉज बेटा क्या होता है, हम लोग यहाँ पर यही तो खेलने वाले हैं कि हमारा पी टाइप एलिमेंट और एन टाइप एलिमेंट कैसे बनता है। भैया हमको पता है ये कैसे बनता है, लेकिन अगर तुमको ये याद नहीं है भैया, तुमको पता होते हुए भी आंसर गलत करने वाले हो, ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रख लेना है। अभी के अभी बेटा हमने कहा ना कि 50 दिन है, जल्दी से इनको याद करके निपटा लो, आज याद किया खत्म, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं बेटा, क्या यहाँ पर सिंपल सा क्या है भैया, ये सर जी ये क्या ले आए, बुलडोजर, यूपी में है तो क्या बुलडोजर की सरकार चली गई क्या, नहीं बेटा वो वाला काम नहीं यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे सिंपली हम बताना चाहते हैं, क्या तुमने कहीं पर सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन देखा है, हाँ सर जी देखा है, कहाँ देखा है, किताब में, नहीं बेटा किताब के अलावा भी कहीं देखा है, तो भैया जो तुम्हारे घर के बगल में बालू मिट्टी पड़ा है होता है ना बेटा, सैंड, जो सैंड होता है आपके घर के आसपास बेटा, वो कछुना होता है, वही होता है सिलिकॉन, वही क्या होता है बेटा आपका, सिलिकॉन होता है, वही क्या होता है, सिलिकॉन, ये जो आपका मिट्टी बालू पड़ा होता है ना बाहरवा, वही क्या होता है बेटा, सेमीकंडक्टर होता है, उसी को बोलते हैं सिलिकॉन। इतना सा उठाओगे, चाइना वाला इतना सा उठाता है और उससे 10 मोबाइल बनाता है बेटा, इतना सा उठाएगा सिलिकॉन का मिट्टी, ये मिट्टी उठाएगा और इसमें 10 मोबाइल बना देगा। अब भैया देखो तुम, इतने से का मिट्टी का उसने टेक्नोलॉजी यूज करके, जो कि भैया हमारे यहाँ ऐसे दे देते हैं लोग, ले जा भैया ले जा खुश रहे तुम्हें, अब बेटा वो इतने से बालू के से 10 मोबाइल बनाएगा एप्पो के 50,000 रुपए का, तो वो देख लो टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी है, ठीक है। तो आपको बेटा इसका इंपॉर्टेंस समझना चाहिए कि भैया इलेक्ट्रॉनिक्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो भैया इसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है वो भैया ये माटी बालू है, सेमीकंडक्टर क्या होता है भैया, कछुना, ये सिलिकॉन जर्मेनियम, ये क्या है बेटा, बालू मट्टी है, इनको ध्यान रखिएगा, जो सैंड होता है ना बेटा उसी को हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर, बोलो यस सोनू, क्या ये तुम ध्यान रखोगे, यस सर जी। अब बेटा यहां पर सिंपल बात ये है
तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले तुमको बेटा क्या जानना चाहिए, तुमको जानना चाहिए एनर्जी गैप। अच्छा बेटा हमारे जो मटेरियल्स हैं उनको भैया तीन पार्ट में तोड़ा गया है, एक क्या भैया आपका कंडक्टर, एक क्या बेटा आपका इंसुलेटर, और एक क्या बेटा सेमीकंडक्टर। भैया ये जो मटेरियल को डिवाइड किया गया है बेटा, वो डिवाइड किया गया है बेटा अलग अलग तरीकों से समझाया गया है, एक उसी में से तरीका क्या है बेटा एनर्जी गैप। भैया एनर्जी गैप के तरीके से भी हमने मटेरियल को अलग अलग जो है उनको डिफाइन किया है। तो भैया एनर्जी गैप में क्या होता है, इसको बोलते हैं बैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और भैया यहाँ पर जो इसके बीच में जगह बचती है उसको बोलते हैं एनर्जी गैप। अच्छा भैया ठीक है कोई बात नहीं। और भैया इसके बाद जो एनर्जी गैप वाले भाई साहब कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं उसको पहले बता देते हैं बेटा, ठीक है, कि जो तुम्हारा बेटा आपका इंसुलेटर होता है उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। अच्छा अराउंड कितना बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा सर जी ठीक है, सर जी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है बेटा, याद रखिएगा ये वोल्टेज का यूनिट नहीं होता है बेटा, ठीक है, बच्चे मार के आते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट किसका होता है बेटा, एनर्जी का होता है। क्या याद रखोगे, एनर्जी का। भैया नाम ही देखो ना बेटा, ये क्या है, ये एनर्जी गैप है बेटा, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। भैया एनर्जी गैप मतलब एनर्जी। भैया ये जो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये किसका यूनिट है बेटा, ये आपका एनर्जी का यूनिट है, बोलो याद रखोगे, एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा बेटा, ये हम आपको साथ साथ में एमसीक्यूज बताते हुए चल रहे हैं, बस इनको दिमाग में रखते हुए चलना। अच्छा सर जी ठीक है, ओके सर जी। उसके बाद बेटा क्या है, हमारा यहाँ पर जो इंसुलेटर होता है उनके बीच में ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, सेमीकंडक्टर में थोड़ा कम होता है, और कंडक्टर में क्या होता है बेटा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, क्या करते हैं बेटा, ओवरलैप करते हैं। तो भैया कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में क्या है बेटा, आपका सेमीकंडक्टर। अच्छा सर जी ठीक है, इसके बीच में जो गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप है बेटा, उसको वो कम है एज कंपेयर टू इंसुलेटर, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कंडक्टर, इसलिए इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अच्छा ठीक है सर जी, सिंपल सा बेटा फंडामेंटल ये है कि सेमीकंडक्टर आपको कंडक्शन कराना है बेटा, अगर आपको कंडक्शन कराना है, अगर तुमको क्या करना है बेटा, करंट फ्लो कराना है, तुम्हारे सारे इलेक्ट्रॉन्स मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए कंडक्शन बैंड में, जैसे को भैया कंडक्टर में क्या है सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां भाग गए, भैया जितना ज्यादा तुम्हारा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा क्या होगा तुम्हारा मटेरियल कंडक्टिव होगा। अच्छा भाई ठीक है, तो हमारा मेन फोकस क्या है बेटा, कि ये जो सेमी कंडक्टर है ना बेटा, इसी का जो गैप है इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, वैरी कराते हैं, कम करते हैं, ताकि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां छटक के चला जाए और भैया कंडक्शन स्टार्ट हो जाए। अच्छा सर जी बात ये, हाँ बेटा बेटा ये हाईवे है, हाँ सर जी हाईवे याद करने का तरीका है। अच्छा ये क्या है बेटा, ये वैलेंस बैंड है। अच्छा सर जी ये वैलेंस बैंड है, हाँ बेटा ये क्या है, वैलेंस बैंड है। अच्छा भाई ठीक है, वैलेंस बैंड है ये, क्योंकि भैया यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये गाड़ी मतलब क्या भैया, इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है, ये इसके बिचवा में क्या है, ये बैंड गैप है। अच्छा और ये क्या है बेटा, ये कंडक्शन बैंड है, ये क्या है बेटा आपका, दिस इज योर कंडक्शन बैंड, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है गाड़ियों की संख्या है वो बड़ा कम है। अच्छा भाई ठीक है, तो भैया हमको ये जो बैंड गैप है इसी को कम करना है, ताकि हमारी जो गाड़ी है इलेक्ट्रॉन है वो इधर से उधर जा सके। अच्छा सर जी तो क्या किया जाए बेटा, तो उसके लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। जी सर जी बिल्कुल, तो ये जो बैंड गैप है एनर्जी गैप है बेटा, उसी को हमको कम करना है, जिससे क्या हो जाए, ये थोड़ा सा यहां वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाए, मतलब कि इस बैंड गैप को हटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिससे क्या हो आपका वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में आ जाए, ताकि कंडक्शन स्टार्ट हो जाए, और ये हम लोग कहां करेंगे बेटा, सेमीकंडक्टर में। अच्छा सर जी ये बात है, हाँ बेटा यही बात है, तो ये तुम लोग बात समझा कि हम लोग बेटा करना है बैंड गैप को कम करना है, जो कि प्रेजेंट है कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में, अगर वो कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा सकेंगे, हमारा कंडक्शन हो जाएगा। क्या ये बात समझा, क्या ये बात समझा, तो एकदम बिल्कुल सा फंडामेंटल ये चीज दिमाग में रखिएगा हमेशा। क्या भैया कि देखो सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में बेटा क्या है, हम लोग को क्या करना है बेटा, ये बैंड गैप को कम करना है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन हमारा यहां से यहां जा सके इजिली। अच्छा ठीक है, अब बच्चा देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर जी आप फालतू का यहां पर इतना एनर्जी खर्च कर रहे हो, जब आपके पास ये दिया हुआ है, यहां पर आपका कोई भी गैप नहीं है, आप इसको काहे नहीं यूज कर रहे हो, इसके पीछे काहे पड़े हो, इसको यूज करो, यहां पर बैंड गैप नहीं है, सारा इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है बेटा, आपकी बात सही है भैया। आप करो सर जी इतना माथा पच्ची कर रहे हो, यहाँ गैप है, इसको कम कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हो वहां पर, तो भैया इतना माथा पच्ची क्यों, यहाँ पर गैप नहीं है, आप इसको यूज करो। भैया क्वेश्चन तो लाजिब है, ये क्वेश्चन बनना चाहिए ना बेटा। हाँ सर जी बिल्कुल बनना चाहिए। हाँ यार बात तो बस ये सही बात कर रहे हैं भैया, आप यहाँ पर फालतू का एनर्जी खर्च करो, यहाँ चले जाओ, इसको ले लो, काम हो जाएगा। अच्छा सर जी बेटा देखो बात सिंपल सी ये है कि भैया हम इसको क्यों नहीं यूज करते हैं बेटा, क्योंकि हमको बेटा यहाँ पर मान लीजिए हमको भैया यहाँ पर करंट को कम करना है, तो भैया करंट को कम करने का इसमें कोई भी लोचा नहीं है, ये भैया परमानेंट यहाँ पर गैप नहीं है, तो तुम यहाँ पर करंट को वैरी नहीं कर सकते, आर को वैरी नहीं कर सकते, इसमें तुम बेटा क्या कर सकते हो, यहाँ पर तुम अपने अकॉर्डिंग इसमें वेरिएशन कर सकते हो, इसको घटा बढ़ा सकते हो, बोलो यस और नो। भैया सेमीकंडक्टर में जो बैंड गैप है उसको तुम अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते हो? हाँ सर जी। भैया हमको गाड़ी लिए हैं तो भैया उसको खाली एक ही स्पीड से थोड़ा चलाएंगे कि भैया गाड़ी चापे तुरंत 100 की स्पीड से जाएंगे, नहीं भैया हमको उसको अकॉर्डिंगली जो रोड है उसके हिसाब से चलेंगे, कहां कम करना है कहां ज्यादा करना है, तो भैया स्पीड को वेरी करना पड़ेगा। भैया इसलिए सेमीकंडक्टर क्या होता है बेटा, ये हमको वेरिएशन देता है, अलग अलग हमको वैल्यू देता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड, तो भैया इसलिए हम लोग सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं। बात समझ में आया यस बराबर है एकदम बेटा। क्या कर रहे हैं हम, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे अभी इसके नीचे ही जो जो चीज बता रहे हैं, इसलिए ध्यान सुनिएगा। अच्छा सर ठीक है, मतलब कि भैया हमको सेमीकंडक्टर यूज करना है, सर जी सेमीकंडक्टर में कौन सा एलिमेंट होता है? होता है बेटा कुछ होता है, कौन कौन सा होता है भैया? एक होता है सिलिकन और एक होता है जर्मेनियम, अभी हम इन्हीं दोनों की बात करेंगे। अच्छा भैया ये जो सिलिकन होता है ना बेटा, इसमें हम तुमसे पूछे कि बैंड गैप कितना होता है तो क्या बताओगे बेटा? सिलिकन में जो बैंड गैप होता है वो कितना होता है बेटा, क्या बताओगे? जो ये बैंड गैप होता है सिलिकन में कितना होता है, एमसीक्यू आ चुका है, क्या बताओगे बेटा? क्या बताओगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो सिलिकॉन के बीच में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप है वो कितना होता है, क्या बताओगे? सर जी सुने तो हैं ये कुछ सुने तो हैं सर जी कुछ सुने तो हैं, ऐसे होता है कुछ, ऐसा कुछ होता है ना सर जी, 0.3 0.7 ऐसा कुछ होता तो है। हाँ सर जी होता है सर जी होता है, कुछ ना कुछ तो होता है, और बेटा वहीं पर क्या होता है, खेला होता है, ठीक है। चलिए तो बेटा आइए जानते हैं, बेटा देखो बैंड गैप अलग चीज है, बैंड गैप क्या होता है भैया, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है बेटा, ये जो एनर्जी गैप है सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए बेटा क्या होता है, ध्यान रखिएगा आपको बेटा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बेटा आपका 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है एनर्जी गैप सिलिकॉन जर्मेनियम का, ध्यान रखिएगा। तो सर जी ये क्या बोला है बेटा, इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, ये बेटा किसमें होता है, डायोड में, जब हम पढ़ेंगे सिलिकॉन का और जर्मेनियम का जो डायोड होता है उसमें जो यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल होता है वहां पर ये आता है बच्चा, तो इन दोनों को मिक्स मत करिए कि हाँ यार ये दोनों एक ही चीज है, नहीं बेटा ये जो है ये एनर्जी गैप है सिलिकॉन का और जर्मेनियम का, जो एनर्जी गैप है बेटा वो तुमको ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या भैया सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है सर जी बिल्कुल। तो सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है बेटा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बेटा ये ध्यान रखिएगा ये एनर्जी गैप है बेटा, एनर्जी गैप ये तुमको याद करना है, इसको तुम उसके साथ मिक्स मत करो, किसके साथ, 0.3 वोल्ट 0.7 वोल्ट, बेटा ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या है बेटा, एनर्जी है, तो यार बेटा इसको ध्यान रखिएगा। बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि ससुरा एक किताब में ये दिया है एक किताब में ये दिया है, बेटा ये वोल्टेज होता है और ये एनर्जी होता है, क्या ये बात तुम समझा बेटा। तो आज की बात ध्यान रखिएगा, कोई तुमसे पूछेगा सिलिकॉन का एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप, तुम क्या बोलोगे बेटा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप, ठीक है, उसको ये सब 0.3 0.7 से मत करना, वो वोल्टेज है। अच्छा सर ठीक है,
तो सिलिकॉन का एनर्जी गैप कितना है भैया, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काम खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये जो कंफ्यूजन है बेटा बच्चे का अभी तक रहता है, अच्छे अच्छे बच्चे बीटेक कर लेते, बच्चे को लगता है यार ये बतिया एक है। नहीं बेटा, बात एक नहीं है, ये एनर्जी है और वो वोल्टेज है, वो आगे आएगा बेटा, तो इसको यहां पर खत्म करो पहले तो। अच्छा ठीक है, पहला डाउट क्लियर हुआ। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, तो भैया हमारा क्या है मेन फोकस किस पर है, सेमीकंडक्टर पर। सिलिकॉन का और जर्मेनियम का हमको देखना है, सिलिकॉन को हम लेके चल रहे हैं बेटा अभी। सिलिकॉन के बीच में जो गैप होता है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा सर जी बराबर है, इसके लिए कितना होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा सर जी ठीक है, अब क्या करें, कुछ नहीं करना है बेटा। पहले तो भैया ये जो सेमी कंडक्टर होता है उसमें भैया सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। भैया सिलिकॉन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं शेल में, आपको बता दीजिए 4 इलेक्ट्रॉन। चार का मतलब क्या हुआ, चार का मतलब बेटा हुआ यहाँ पर आपका कितना बेटा, टेट्रावेलेंट बेटा। ये क्या होता है आपका, टेट्रावेलेंट होता है। अच्छा भैया ठीक है, मतलब कि आउटर मोस्ट में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें क्या होते हैं बेटा, खूब सारे सिलिकॉन किस तरह के बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। देखो बेटा क्या है, बॉन्ड भी 3 तरह के होते हैं, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है बेटा आयनिक बॉन्ड। तो अभी दो ही आपको ले लेकर चलो बेटा, तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होता है। तो भैया याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, कोवेलेंट होता है। अच्छा सर जी, मतलब शेयरिंग होता है। अच्छा सर जी, एग्जाम में आ चुका है। अच्छा भैया ठीक है, तो सर जी आयनिक बॉन्ड में क्या होता है भैया, एग्जाम्पल देखो NaCl, नाम सुना है नमक। भैया इसमें क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट इसके पास जाता है। ये क्या होता है Na+ और ये होता है Cl माइनस, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट यहां पर जाता है। अच्छा भैया इसमें क्या भैया, कह रहे नहीं भैया हम पूरा नहीं देंगे, आओ आधा आधा बांट लें, इसको कहते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं भैया, कोवेलेंट बॉन्ड। तो याद रखिएगा सेमीकंडक्टर में जो बॉन्ड उपलब्ध होता है एलिमेंट्स के बीच में, उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। याद रहेगा, यस सर जी याद रहेगा। चलो भैया फिर आगे चलते हैं, आओ यहां से आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए तुमको बताते हुए चल रहे हैं। अच्छा भाई ठीक है, तो भैया किस तरह का बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट में क्या होता है, शेयरिंग होता है, शेयर कर रहे हैं। अच्छा भैया ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भैया ठीक है, तो हमको ये एनर्जी गैप को कम करना है, जिससे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाए, ताकि भैया कंडक्टिविटी बढ़ जाए। अच्छा भाई ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, बैंड गैप अभी पहले, एनर्जी गैप। अच्छा सर जी ठीक है, अब उसके बाद सेमीकंडक्टर। वाह भाई वाह, सेमीकंडक्टर, तो घुमा फिरा के बेटा यही है तुम्हारा सेमीकंडक्टर। अच्छा भैया दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। अच्छा सर जी बिल्कुल, सर जी बिल्कुल सही है, बात बराबर है, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। अच्छा सर जी ठीक है, इंट्रिंसिक को भैया हम लोग कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, इसको कहते हैं बेटा क्या आपका, इंप्योर। अच्छा इंट्रिंसिक में, इस इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है, प्योर होता है बेटा, यहां मतलब क्या है, सिर्फ सिलिकॉन होगा, यहां पर क्या होगा, सिर्फ सिलिकॉन होगा। अच्छा भाई ठीक है, हमको एक्सट्रिंसिक कैसे बनाएंगे बेटा, इसके अंदर अगर हम क्या करेंगे बेटा, इंट्रिंसिक में कुछ इंप्योरिटी ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे बेटा, इंप्योरिटी ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक बन जाएगा। अच्छा इंट्रिंसिक में इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो बन जाएगा वो एक्सट्रिंसिक, और बेटा इस एडिशन ऑफ इंप्योरिटी को हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग। क्या कहते हैं भैया, डोपिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग। अच्छा भैया ठीक है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है बेटा वो क्या होता है, प्योर होता है। उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर तुम ऐड करोगे इंप्योरिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डोपिंग कहते हैं, तो भैया आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर बन जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बेटा हम यहां पर लिख दे रहे हैं, इंट्रिंसिक में क्या करोगे बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर तुम क्या करोगे बेटा, इंप्योरिटीज को ऐड करोगे, डोपिंग करोगे, तुमको क्या मिल जाएगा, तुमको मिल जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बोलो क्या ये बात तुम लोग ध्यान रखोगे, बोलो यस और नो। जी सर जी बिल्कुल, इसको हम लोग दिमाग में रखेंगे, बात बराबर है, यस सर जी बिल्कुल, ये बात एकदम सिंपल है, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है बच्चा, बिल्कुल बात बराबर है, चलो ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है बेटा, ये प्योर होता है। एक्सट्रिंसिक क्या होता है, ये दो टाइप में डिवाइड होता है, एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। और जो ऊपर तुमको सिखाया ना बेटा, क्या आपका बैंगन आलू और नाना पाटेकर, वो इसी के लिए बेटा यूज होता है, याद रखिएगा।
हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी तुम लोग क्या करोगे बेटा, सिलिकन में जो कि बेटा क्या है आपका टेट्रावेलेंट है, अगर तुम उसमें क्या करते हो बेटा ट्राइवेलेंट, क्या भैया ट्राइवेलेंट एटम को ऐड करते हो, तुमको क्या मिलेगा बेटा, तुमको मिलेगा पी टाइप एलिमेंट, पी टाइप एलिमेंट मिलेगा। पी टाइप मतलब क्या होता है, जिसमें तुम्हारे नंबर ऑफ जो होल होंगे ना बेटा, जो नंबर ऑफ होल होंगे वो ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया ये ट्राइवेलेंट एलिमेंट कौन से हैं, वही बेटा बैंगन आलू, बात समझा? जी सर जी बिल्कुल भैया, बैंगन आलू गाजर इन थैला, यही है ट्राइवेलेंट। अगर तुम उसको सिलिकॉन में जोड़ोगे तुमको मिलेगा पी टाइप एलिमेंट। क्या तुम लोग ये ध्यान रखोगे बेटा, क्या तुम लोग ये ध्यान रखोगे, बोलो यस और नो? जी सर जी बराबर। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, आप सबको ये आता है लेकिन बेटा वहां पर तुम याद नहीं पड़ोगे यार, बोरान क्या होता है, बोरान किसमें जाएगा, फॉस्फोरस किसका होता है। अगर याद है तुम बेटा वहां पर टिक मार पाओगे, नहीं तो बेटा उसी में घूम जाओगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है कि सिलिकॉन में जब ट्राइवेलेंट एलिमेंट को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पी टाइप आपका सेमीकंडक्टर मिलेगा। अच्छा, उससे पहले बेटा एक चीज और, जो तुम्हारा बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल जो होते हैं वो बराबर नहीं होते। अच्छा, पी टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ होल ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एन टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल से। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? जी सर जी बिल्कुल। बेटा इसके बाद तुम लोग ध्यान रखिएगा, अगर तुम सेमीकंडक्टर में क्या करते हो बेटा, ट्राइवेलेंट एलिमेंट को ऐड करते हो, तो भैया तुमको क्या मिलेगा बेटा, तुमको मिलेगा पी टाइप एलिमेंट। और वहीं पर अगर तुम क्या करते हो, सिलिकॉन में ऐड करते हो क्या बेटा, पेंटावेलेंट। भैया पेंटावेलेंट में क्या थे, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी, याद करो बेटा, तो वो पेंटावेलेंट एलिमेंट है। इसको तुम अगर ऐड करोगे तुमको क्या मिलेगा, तुमको बेटा एन टाइप मिलेगा। तो ये बेटा तुमको ध्यान रखना है, एग्जाम में खूब इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको दिखाया जाएगा। अच्छा सर जी, क्या यहां तक बेटा बात समझ में आ गई? एक बार सबको थंब दिखा दो, क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर नो। ऊपर जो बेटा तुमको याद करने के कह रहे हैं, याद कर लेंगे तुरंत के तुरंत, ताकि अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिलिकॉन जो होता है वो सेमीकंडक्टर होता है, उसके आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात बराबर है? जी सर जी बिल्कुल, बात बराबर है, यस जी बिल्कुल। अगर तुम ये हमको बताओ, हमको ये बता दीजिएगा, हमको एक बात बताइएगा। हाँ सर जी पूछो, आपके बेटा एलिमेंट में जो बाहर जो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आपके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि हम कहेंगे भैया स्टेबल है वो, बाहर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि हम कहेंगे भैया ये आपका स्टेबल है, कितने कहेंगे बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हम कहेंगे भैया स्टेबल है। तो बेटा आप कहोगे सर जी देखो इतना आसान मत पूछो, आठ इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम कहेंगे भैया स्टेबल है, ठीक है। अच्छा भैया सिलिकॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सिलिकॉन में होता है चार इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है भैया, ट्राइवेलेंट एलिमेंट है, जैसे मान लो बेटा बोरॉन है, बोरॉन एक ट्राइवेलेंट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन होते हैं, तो चार प्लस तीन कितने हुए, सात हुए, ससुरा एक कम पड़ गया, भैया एक कम पड़ गया, भैया हमको आठ चाहिए, एक कम पड़ गया मतलब क्या, यहां पर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बोलो यस सर, ऐसे याद कर लो यार, क्या जाता है। हाँ सर बराबर बात है, सिलिकॉन में चार होते हैं, बोरॉन के पास तीने हैं, तो चार प्लस तीन सात हुआ, हमको चाहिए आठ, तो भैया यहाँ पर तो आठ नहीं हो पा रहा, मतलब कि भैया क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, मतलब होल्स ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन से। बोलो यस सर बराबर बात। हाँ सर जी, अच्छा इसमें आते हैं, सिलिकॉन में होते हैं बेटा कितना आपका, चार, और भैया यहाँ पर याद रखिएगा तुम्हारा जो नाइट्रोजन होता है उसमें बेटा कितने होते हैं, पांच, वे टोटल कितने हो गए भैया, नौ हो गए, तो नौ मतलब यार ये तो एक्स्ट्रा हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया भैया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, मतलब यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ होल से ज्यादा होते हैं। बात बराबर, सिंपल बेटा, हम लोग ऐसे याद करते थे बिकॉज एग्जामों में सब मिक्स हो जाता था, हम कह भैया देखो बाहर चाहिए हमको आठ, हमको भैया पी टाइप में क्या होगा, सिलिकॉन का चार होता है, बोरॉन को ऐड करेंगे साते होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, मतलब होल यहां पर ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, उसी को कहते हैं पी टाइप। नहीं समझा जी? नहीं समझा? बोलो हाँ ना, समझ रहा है बड़ा, ये सब याद करने के तरीके हैं। बोलो यस जी सर जी बराबर। तो इंट्रिंसिक मतलब प्योर,
एक्सट्रिंसिक मतलब भैया यहां पर इंट्रिंसिक मतलब प्योर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के बराबर। अच्छा एक्सट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स बराबर नहीं होंगे, कोई भी बड़ा हो सकता है। अगर होल ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स कम है पी टाइप, अगर बेटा क्या है आपके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है होल कम है एन टाइप। बस दिमाग में रहेगा, यस दिमाग में रहेगा, बात बराबर है, यस बराबर है, दो तेरा दो मेरा, यस सर जी बिल्कुल बात बराबर है, खेल जाएंगे, यस सर जी ठीक है। तो बेटा हम लोग ये जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं बेटा, ये जो हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं जिसको हम लोग कह रहे हैं डोपिंग, इससे क्या होता है बेटा, इससे सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ जाता है और वही हमको चाहिए बेटा, ठीक है। तो डोपिंग मतलब होता है इम्प्योरिटीज को ऐड करना, और भैया उससे हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि भैया हमको यहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ानी है। अच्छा ठीक है, तो आप अच्छे बात ये बात ध्यान रखोगे, यस सर जी। तो हम यहाँ पर तुरंत दो मिनट में क्विक रिवीजन, क्या भैया क्विक रिवीजन, सिंपल सा फंडामेंटल का ना बेटा, हमको यहाँ पर सीखने आया है तो सीख के जाएंगे। क्या भैया सबसे पहले कि भैया बैंगन आलू गाजर इन थैला, अच्छा भैया क्या है ये तुम्हारा ट्राइवेलेंट एलिमेंट है। क्या बेटा ये ट्राइवेलेंट है, याद रखिएगा, अगर इसको हम सिलिकॉन में जोड़ते हैं तो भैया हमको कौन सा एलिमेंट मिलेगा, हमको बेटा यहाँ मिलेगा 4+3=7, भैया इलेक्ट्रॉन तो कम हो रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये क्या मिलेगा भैया पी टाइप एलिमेंट मिलेगा। कैसा मिलेगा बेटा हमको, पी टाइप एलिमेंट मिलेगा, बोलो यस और नो, जी सर जी बिल्कुल मिलेगा पी टाइप। अच्छा भैया ठीक है, बात बराबर, अच्छा ठीक है तुरंत। इसके बाद यहाँ बेटा क्या है आपका नाने पाटकर एसवरा सर भिखारी बेटा, यहाँ पर क्या है सिलिकॉन में अगर तुम ये एलिमेंट जोड़ोगे भैया यहाँ पर क्या होगा, ये 4 है ये 5 है इनके आउटर मोस्ट में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा 9 हो गए, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज्यादा है, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स से ज्यादा है, ये क्या हो गया एन टाइप मटेरियल हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, बोलो यस नो, जी सर जी बिल्कुल। उसके बाद यहाँ बेटा हमने क्या किया, देखा भैया सिलिकॉन क्या होता है बालू होता है और कुछ ना, बैंड गैप हमने पढ़ा कि भैया देख ये जो बैंड गैप होता है ये हम लोगों को कम करना है ताकि हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए, और सिलिकॉन के लिए बैंड गैप कितना होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए कितना होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इतना एनर्जी दे दे सिलिकॉन को तो ये बेटा पट जाएगा, ये पट जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा, बात समझा, यस सर जी बिल्कुल, तो ये ध्यान रखिएगा, ओके सर जी बिल्कुल। अब यहां से चलते हैं अगले पॉइंट पर, ओके सर जी ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। अच्छा भैया ठीक है, और ये क्या है हमारे सेमीकंडक्टर दो तरीके बेटा, ये हमने लिखवा दिया पीडीएफ मिल जाएगा आपको, इंट्रिंसिक क्या होता है बेटा आपका प्योर होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं। अच्छा भैया ठीक है, उसके बेटा क्या होता है एक्सट्रिंसिक होता है, तो भैया एक्सट्रिंसिक में क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के बराबर नहीं होते हैं। ये रहा तुम्हारा सिलिकॉन, सिलिकॉन में अगर तुम बेटा ध्यान से देखो तो यहां पर बेटा कौन सा बॉन्ड है, यहां पर जो बॉन्ड होते हैं बेटा वो कौन से होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, आउटर मोस्ट में भैया कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा भैया इसको 4 और मिल जाए तो काम हो जाए, तो बेटा इसलिए तुमको ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा सेमीकंडक्टर मजेदार है। अच्छा सर जी ठीक है, तो अभी के लिए इतना हमने ध्यान रखा, उसके बाद भैया हम चले पी टाइप पे। पी टाइप डोपिंग मतलब क्या होता है बेटा, पी टाइप मतलब होता है अगर हम सिलिकॉन में क्या करेंगे ट्राइवेलेंट एलिमेंट को ऐड करेंगे तो वहां पर क्या होगा बेटा आपको क्या मिलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। जैसे भैया बोरॉन क्या है आपका, गैलियम है, ये सब क्या है बेटा ये सब आपके आपके ट्राइवेलेंट एलिमेंट है, इनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा भैया ठीक है, अब ये देखो याद रखिएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद रखिए बेटा एक आपका टर्म होता है फर्मी लेवल। क्या भैया फर्मी लेवल, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है बेटा, ये जो फर्मी लेवल होता है ये क्या है फर्मी लेवल बेटा, ये कहां पर होता है, ये आपका होता है वैलेंस बैंड के पास होता है। कहां होता है बेटा ये वैलेंस बैंड के पास होता है। तो तुमसे अगर पूछेगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है एनर्जी वाला वो कहां पर होता है, आप होगा भैया जस्ट थोड़ा सा ऊपर, किसके वैलेंस बैंड के। पी टाइप में फर्मी एनर्जी लेवल जस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है, किसके बेटा आपके वैलेंस बैंड के, किसमें पी टाइप में। अच्छा सर जी इसी तरह बेटा क्या होता है हमारे पास क्या होता है एन टाइप होता है, एन टाइप में क्या होता है हमारा जो फर्मी लेवल होता है वो क्या होता है कंडक्शन बैंड के बहुत पास होता है, इसको थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए तो ये यहां चला जाएगा तुरंत और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से क्या याद रखना है कि एक फर्मी लेवल एनर्जी होता है
वो बेटा एन टाइप में कंडक्शन बैंड के पास होता है, पी टाइप में आपका क्या होता है वैलेंस बैंड के पास होता है। क्वेश्चन इस पे आता है, कैसा आता है दिखा देते हैं। ये लो बेटा क्वेश्चन, ऑन द स्पॉट क्वेश्चन को सॉल्व करो, बकैती नहीं। क्या भैया, एक फर्मी लेवल होता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर में कहां पर होता है, पूछ लिया, बता दो बेटा जल्दी से। सिंपल है, यस सर जी बता लो बेटा कहां पर होता है फर्मी लेवल। यस सर जी बता रहे, रुक जाइए भैया, फर्मी लेवल जो होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर में कहां होता है। तो भैया पी टाइप में सर जी अभी आपने बताया था हमको, अभी बताया था, बता दो बेटा, बता दो जल्दी से, बताया था बेटा इसको। यस सर जी बिल्कुल, तो भैया इसका आंसर जल्दी बता दो बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑलमोस्ट सब लोग दे रहे हैं सही, ग्रेट, सब लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। भैया हमारा जो पी टाइप था उसमें बेटा क्या होता है, अच्छा पहले आप लोग दे लो आंसर, पहले आप लोग आंसर दे लो बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो चलो भैया देखते हैं। जैसे ही उसने बोला पी टाइप, हमने कहा अच्छा सिलिकन में हमने जोड़ा क्या है आपका बेटा ट्राइवेलेंट, अच्छा बेटा ट्राइवेलेंट जोड़ेंगे मतलब ये चार है इसमें तीन हो गया, तो चार तीन सात, एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसलिए इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा पी टाइप में क्या होता है, ये जो होल्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं वैलेंस बैंड के जस्ट नजदीक होते हैं, वैलेंस बैंड के जस्ट आपके नजदीक होते हैं, ऊपर होते हैं। तो हम कहेंगे भैया पी टाइप में तुम्हारा जो फर्मी लेवल होता है वो बेटा कहां पर होता है, बैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर, ये क्या कहेंगे टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड। बोलो यस सर, बात बराबर, यस सर जी बात बराबर है, यस सर जी। इसी तरह तुमसे पूछ लेगा कि हमको ये बताओ कि भैया एन टाइप में कहां होता है, भैया एन टाइप मतलब क्या होता है, सिलिकन में हमने क्या जोड़ा बेटा पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट मतलब क्या होता है जिसके पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चार प्लस पांच नौ हो गया, यार ये तो एक्स्ट्रा आ गया है, तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे होल से। अच्छा भैया ठीक है, तो भैया ये क्या हो गया एन टाइप हो गया। अच्छा भैया ठीक है, एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसको थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। अच्छा तो यहाँ पर क्या होता है एन टाइप में हमारा जो फर्मी लेवल होता है वो क्या होता है जस्ट बिलो द होता है किसके, जस्ट बिलो होता है किसके बेटा कंडक्शन बैंड के। बोलो यस सर नो, जी सर जी बिल्कुल, तो यहाँ क्या बोलोगे बेटा बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। क्या ये बात तुम समझा, क्या ये तुम बात समझा, बोलो यस और नो, जी सर जी बराबर, खेल जाएगा, हाँ सर जी खेल जाएगा, कोई दिक्कत बेटा, लगे हाथ एग्जाम्स के क्वेश्चन लगाते हुए चलो, ये नहीं कि हाँ एक दिन कॉन्सेप्ट देंगे फिर तुमको चार दिन बाद फिर आएंगे तो वहां पर तुमको सोल्यूशन कराएंगे, वो चलता रहेगा, भैया तुम जो पढ़ रहे हो वो सच में आता है कि नहीं ये दिखाने के लिए तुरंत उस पर क्वेश्चन। बात समझ में आ गया, खेल जाएगा बच्चा, बोलो यस और नो, खेल जाएगा, बोलो हाँ या ना, यस सर जी बिल्कुल, ठीक है ओके सर जी ठीक है। तो सेमी कंडक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, सिंपल सा, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अच्छा भैया ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा काम चलेगा, अच्छा सर ठीक है। तो भैया यहाँ पे देखिए एन टाइप में हमारा क्या होता है जो फर्मी लेवल होता है जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड होता है, मतलब कि भैया थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाए इसमें चला जाएगा। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। हम तुमसे पूछे जर्मेनियम के लिए ये जो एनर्जी गैप है कितना होता है, आपको सर जी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम कह भैया सिलिकन के लिए कितना होगा, आप होगा सर जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ध्यान रखिएगा, इसको तुम लगे हाथ ऐसे मत कर देना कि 0.3 वोल्ट 0.7 वोल्ट, ऐसा नहीं करना, ये बेटा एनर्जी है, ये एनर्जी है बेटा, ये एनर्जी है, ये वोल्टेज है, ये हम लोग डायोड में पढ़ेंगे बैरियर पोटेंशियल। अच्छा भैया ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं, अच्छा आगे डायोड भाई साहब, अच्छा भैया ठीक है। जब हम लोग क्या करेंगे पी टाइप को एन टाइप के साथ जोड़ेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ेंगे तो भैया क्या बन जाएगा, भैया बन जाएगा ये डायोड, बस सर यही है। हाँ बेटा और क्या है, बकैती है, ये जो बेटा तुमको दिखा रहा है एरो, ये एरो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब कि भैया तुम्हारा जो डायोड है उसमें जो तुम्हारा करंट होगा वो खाली ऐसे फ्लो कर सकता है, इसके उल्टा नहीं करेगा। अच्छा भाई ठीक है, डायोड है कैसे बना, जब पी टाइप एन टाइप को हमने जोड़ा तो भैया घूम फिर गया कुछ हुआ और उसके बाद भैया बन गया ये। अच्छा वो जो हुड़ हुआ बेटा वो क्या हुआ उससे हमको मतलब नहीं बेटा। अच्छा सर जी ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब है। अच्छा भैया ठीक है, इसी तरह बेटा क्या है, जैसे ही तुम क्या करोगे पी टाइप मटेरियल को एन टाइप के साथ जोड़ोगे तो भैया क्या हो जाएगा, क्या होगा देखते हैं भैया, एक बात याद रखिएगा। मान लो बेटा क्या है, यहां पर तुम्हारा क्या है बेटा, यहां पर पानी रखा है, अब बेटा यहां पर तुमको पानी चाहिए तो तुम यहां पाइप लगा दोगे तो जो पानी होगा बेटा वो क्या करेगा, यहां से यहां जाएगा कि यहां से यहां जाएगा, आप जो पानी है
बिना मोटर के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जाएगा, मतलब ऊंचाई से निचाई जाएगा बेटा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो पानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जाएगा बेटा। इसी तरह क्या होता है, जब तुम क्या करते हो, दो अलग अलग एलिमेंट्स को मिलाते हो तो क्या होता है बेटा, यहां से क्या होता है, यहां पर आपके होल्स ज्यादा हैं। हाँ सर जी, बहुत ज्यादा है। तो होल्स क्या करते हैं, इधर मूव करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे ज्यादा हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। और इसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं भैया, डिफ्यूजन। तो याद रखिएगा, कोई पूछेगा भैया डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे जब चार्ज, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल हो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। अच्छा भैया ठीक है, याद रखेंगे। तो भैया अगर इलेक्ट्रॉन या होल मूव कर रहे हैं तो भैया करंट फ्लो करेगा, तो भैया इस वजह से जो करंट फ्लो करेगा उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन करंट। बात समझा कि नहीं, बात समझा कि नहीं। देखो भैया फिर से बोला, भैया जब भी तुम्हारा चार्ज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल हो, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं भैया, डिफ्यूजन। तो भैया डिफ्यूजन हो रहा है, अच्छा भैया ठीक है। और उसकी वजह से भैया चार्ज मूव करेगा तो करंट फ्लो करेगा, उस करंट को क्या कहेंगे, डिफ्यूजन करंट। काम खत्म, बात बराबर है। तो भैया तुम्हारा जो डायोड होता है उसमें दो तरह के करंट होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन करंट और एक होता है ड्रिफ्ट। अभी पढ़ेंगे ड्रिफ्ट आगे, अभी इतना याद रखेंगे कि जैसे ही दो लोग को मिलाया, इलेक्ट्रॉन्स यहां ज्यादा है यहां कम है, इलेक्ट्रॉन्स सुई से ऐसे मूव किया इधर, होल्स यहां ज्यादा है यहां कम है, ऐसे मूव करेगा, तो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जब चार्ज का मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। और भैया चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा तो करंट फ्लो करेगा, तो इससे क्या होता है भैया, जो करंट उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। बोलो यस सर नो। जी सर जी बराबर ठीक है। अच्छा सर जी ठीक है, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ये बेटा क्या होगा, चार्ज के कंसंट्रेशन के डिफरेंस से जो करंट बहेगा बेटा उसको कहेंगे डिफ्यूजन। अभी आगे आएगा बेटा, चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, ये देखो बेटा क्या है, क्या यहां पर हमने कुछ लिखा हुआ है। यस सर जी, जैसे ही तुम क्या करोगे, पी टाइप को और एन टाइप को मिलाओगे, यहां पर होल ज्यादा है, या पी टाइप में क्या है, पी टाइप में होल ज्यादा है, तो जो होल होगा बेटा वो कहां मूव करेगा, एन टाइप की तरफ। एन टाइप में क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, भैया इलेक्ट्रॉन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करेगा, भैया इसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, अच्छा भैया, और इससे जो करंट उत्पन्न होगा उसको हम लोग कहेंगे क्या भैया, डिफ्यूजन करंट। बोलो यस सर, उसको क्या कहेंगे बेटा हम लोग, डिफ्यूजन करंट। क्या बेटा ये तुम बात याद रखोगे कि नहीं रखोगे याद। जी सर जी बिल्कुल, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे खोपड़ी में ये सब बात रखते हुए चलना, अभी क्वेश्चन कराएंगे, ऑन द स्पॉट होना चाहिए। अच्छा, तो भैया हमारे डायोड में दो तरह के करंट होते हैं, एक हमने सिखा दिया। अच्छा अब बेटा मान लो हमने कहा, यहाँ पर मान लीजिए हमने कहा कि, मान लीजिए बेटा क्या है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, मान लो बेटा हमने कहा कि यहाँ पर एक सिंपल सा रेजिस्टेंस है। अच्छा ठीक है सर जी, हमने मान लिया, आप कह रहे तो मान ले रहे हैं। अच्छा, हमने कहा बेटा यहाँ पर रेजिस्टेंस है 2 ओम का, हम तुमसे कह रहे हैं बेटा क्या इसके अंदर कोई करंट फ्लो करेगा, क्या इसके अंदर कोई करंट फ्लो करेगा। आप बोलोगे सर जी कुछ लगाओ पहले, कम से कम कुछ लगाओ पहले, ऐसे सिंपल सा कहीं आर रखा है उसमें अपने आप थोड़ी ना करंट फ्लो करेगा। आप कहोगे सर जी यहां पर कुछ पोटेंशियल लगाओ, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे तब जाके करंट फ्लो होगा, ऐसे तो नहीं फ्लो करेगा बेटा। बोलो है ना। जी सर जी बिल्कुल, तो भैया जब तुम्हारा जो करंट है वो फ्लो करेगा, जब तुम कोई वहां पर पोटेंशियल क्रिएट करोगे, उस तरह के करंट को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट। क्या कहते हैं भैया उसको हम लोग, ड्रिफ्ट करंट। बोलो यस सर, इसमें कोई मतलब नहीं है कहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है कहां कम है, तुम्हारा सर्किट में करंट तभी फ्लो करेगा जब तुम वहां पर एक पोटेंशियल वोल्टेज लगाओगे तब, ठीक है। अच्छा सर जी बड़ा, बस काम खत्म। तो भैया जो तुम्हारा जो ड्रिफ्ट करंट होता है उसमें क्या होता है बेटा, देखो जैसे ही तुम्हारे यहां पर इलेक्ट्रॉन और बेटा तुम्हारे जो होल है मूव कर रहे होते हैं बेटा, यहां पर क्या बन जाता है, यहां पर एक बन जाता है बैरियर पोटेंशियल। इसको कहते हैं बेटा क्या, बैरियर पोटेंशियल। नाम ही बैरियर है, बैरियर मतलब क्या होता है, दीवार। ये दीवार बन गई बेटा, तुम देखो ध्यान से बेटा, यहां पर क्या नेगेटिव है यहां पॉजिटिव है बेटा, यहां पर क्या पोटेंशियल नहीं है बढ़ गया, क्या यहां पर एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया बेटा।
तो इस पोटेंशियल की वजह से अब जो इलेक्ट्रॉन और होल मूव करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट, भैया उसी से जो करंट उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। बोलो हाँ या ना, क्या ये बात तुम समझा? तो भैया ये जो डिप्लीशन रीजन है जहां पर आपका जो आयंस हैं जो कि मूव नहीं कर सकते हैं उनकी वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसकी वजह से जब आपके चार्ज मूव करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ड्रिफ्ट करंट। बोलो यस सर नो। तो बेटा यही दो करंट हैं, बार बार ये आपके दिमाग में आएंगे, खूब सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इसके ऊपर, तैयार रहिएगा। बोलो यस सर नो। जी सर जी, एक बार में नहीं जाएगा बेटा, कोई बात नहीं, चार बार, दस बार, बीस बार पढ़ेंगे बेटा, क्यों नहीं जाएगा? ठीक है, अच्छा। तो भैया दो तरह के करंट होते हैं डायोड में, और भैया एक करंट कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से उत्पन्न होता है उसको कहते हैं डिफ्यूजन करंट, एक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। बोलो यस सर नो। जी सर जी, बात बराबर है? बात बराबर, यस सर जी, बात बराबर। आओ बेटा फिर खेलते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चंस करेंगे तो और जल्दी समझ में आएगा ये। अच्छा देखो बेटा क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पर काला काला बिंदु ज्यादा है, मतलब कि भैया यहाँ पर आपका जो है, मान लो ये होल है बेटा, ये आपको बेटा क्या है, होल ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो होल्स कहाँ मूव करेंगे? ऐसे मूव करेंगे बेटा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो भैया आपका इस मूवमेंट हम लोग क्या कहते हैं, इसी को बेटा हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आपके चार्ज मूव करते हैं, क्यों मूव कर रहे हैं? कंसंट्रेशन डिफरेंस है यहाँ पर। अगर यहाँ पर भी क्या होता, बराबर आपके यहाँ पर भी बराबर होल्स होते, चार्ज होते, तो ये मूव नहीं करता। ये कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से मूव कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट। बोलो यस सर नो। जी सर जी बिल्कुल। तो जब भी तुम्हारा क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन में चार्ज मूव करता है बिना कुछ लगाए, कुछ नहीं लगाया तुमने, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? डिफ्यूजन कहते हैं। बोलो यस सर नो। जी सर जी बिल्कुल। आओ बेटा थोड़ा सा जब क्वेश्चन करेंगे तो बात समझ में आएगा। अच्छा सर जी, ये का क्वेश्चन ले आए कछुना बेटा, पहले हमको ये बता बेटा, यहाँ पर इस क्वेश्चन से पहले तुम जैसे ही ये देखोगे ड्रिफ्ट, मतलब कि सर जी ड्रिफ्ट मतलब क्या हो गया, कि जो आपका यहाँ पर जो आपका बेटा आपका करंट फ्लो करेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होगा। बोलो यस सर नो। जी सर जी बिल्कुल। तो बेटा यहाँ पर बोल रहा है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो यहाँ पर किसके प्रोपोर्शनल होता है? नहीं पढ़ा आपने अभी, कोई बात नहीं। तो बेटा याद रखिएगा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है बेटा वो क्या होता है, आपका जो मोबिलिटी होता है उसके यहाँ पर क्या होता है बेटा? प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तुम लोग ध्यान रखो बेटा, देखो ये ध्यान रखिएगा। ओके सर जी। तो बेटा ये जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भैया आपका उत्पन्न किसकी वजह से हो रहा है? यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से हो रहा है। ओके सर जी। तो भैया जब तक इलेक्ट्रिकल फील्ड है तब तक आपका मूवमेंट होगा, ये नहीं होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड तो मूवमेंट नहीं होगा। तो ये तुमको ध्यान रखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में रिलेशन एग्जाम में पूछेगा। अच्छा सर जी ठीक है। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अच्छा सर जी ठीक है। और इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वोल्टेज पर लेंथ मीटर। अच्छा सर जी। तो यहाँ बेटा जो मोबिलिटी है उसका इकाई क्या होगा? तो भैया उसका इकाई हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट पर सेकेंड। ये भी बेटा आपके एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। क्या भैया? मोबिलिटी का यूनिट क्या होता है ये तुमसे पूछेगा। क्या तुमको ये बात समझ में आ रहा बेटा? एकदम सिंपल सिंपल बेटा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पकड़ते हुए चलिए, ध्यान से खेल जाओगे। बोलो हाँ ना, क्या ये बात तुम लोग को समझ में आ रहा है बेटा? बोलो ये बेटा क्या बात समझ में आ रहा है बेटा? ये सारे बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उतना ही पहले पढ़ाना चाहते हैं जो भैया तुम्हारे एग्जाम में खेले तुम्हारे साथ, ठीक है? क्या ये बात समझ में आया? ड्रिफ्ट क्यों आता है भैया? ड्रिफ्ट जो ये वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, होल मूव कर रहे हैं, किसकी वजह से ड्रिफ्ट हो रहा है? इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे आया बेटा? इलेक्ट्रिकल फील्ड इसकी वजह से आया, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इसकी वजह से आया ना बेटा, ये जो आपका बैरियर पोटेंशियल है उसकी वजह से आया। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से जो तुम्हारी वेलोसिटी उत्पन्न हुई चार्ज में, उसी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा। और वो कितना हो गया आपका? म्यू नॉट टाइम्स ई बेटा। हमने यहाँ पर आपको बता दिया मोबिलिटी का यूनिट भी, ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिकल फील्ड वोल्ट पर मीटर, और भैया आंसर आ जाएगा आपका ये। बोलो याद रखोगे बेटा? ये एग्जाम में आ चुका है, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में तुमको पीएचडी नहीं करना है अभी 50 दिन में, पहले भैया उनको कर लो जो सिलेक्शन देंगे यार,
ठीक है, तो इस पे तुम लोग ध्यान रखें। तो क्या होता है, एक डायोड को पढ़ने में महीना लगता है, क्यों हम उसमें जाए, क्यों पीएचडी करें? बोलो यस सर नो। जी सर जी, तो भैया इतनी बात ध्यान रखेंगे, एकदम धीरे धीरे बेटा पॉइंट्स को पकड़ो। एक बार में नहीं जाएगा, हमको भी पता है, लेकिन भैया कितने देर तक नहीं जाएगा, इनको अंदर दिमाग में डालना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा बेटा, एक टर्म होता है, एक टर्म होता है बाइसिंग। क्या कहते हैं भैया? बाइसिंग। नाम सुना होगा? यस सर जी, नाम सुना है बाइसिंग। क्या होता है सर जी इसका मतलब? भैया इसका मतलब कछुना होता है कि बाइसिंग मतलब होता है भैया क्या, बाहर से वोल्टेज सोर्स लगाना। बाहर से अगर तुम वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दोगे, उसी को बोलते हैं बायसिंग, बायसिंग ऑफ डायोड। अच्छा सर जी, मतलब बायसिंग मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बाहर से कोई सोर्स को कनेक्ट करना। हमने कहा हाँ बेटा, इसी को कहते हैं बायसिंग। अच्छा भैया ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा भैया ठीक है, इसके बाद बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, जो तुम्हारा डायोड होता है ना बेटा, उसमें करंट हमेशा इस एरो की तरफ फ्लो करेगा। इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं बेटा एन। अच्छा, जब भी तुम्हारा पी क्या होगा, हाई पोटेंशियल पर होगा, एन क्या होगा, लो पोटेंशियल पर होगा। ये आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका निगेटिव होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या कहते हैं भैया इसको? हम लोग फॉरवर्ड बायस कहते हैं। अच्छा सर जी, तो तुमको अगर हम ये सर्किट दिखाएं, तुम हमको बताओ बेटा यहां पर क्या ये फॉरवर्ड बायसिंग है? हाँ सर जी, प्लस पी से कनेक्ट है आपका, माइनस एन से कनेक्ट है, तो बेटा ये क्या हो गया आपका? फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। बोलो यस और नो। जी सर जी, तो बेटा डायोड को अगर तुमको बायसिंग करना है, बाहर सोर्स लगाना है, तो भैया अगर प्लस को पी से कनेक्ट किया और माइनस को एन से किया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। बोलो यस और नो। जी सर जी, बिल्कुल बात बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम लोग सर पढ़े हुए हैं 11th 12th में। अच्छा भैया ठीक है, अच्छी बात है। उसी तरह अगर भैया तुम्हारा डायोड है, अगर तुम डायोड में जो एन है उसको तुम लगाते हो किसके साथ? पॉजिटिव के साथ। पी को लगाते हो निगेटिव के साथ। इसको बेटा बोलते हैं रिवर्स बायस। बात खत्म है बेटा, इतना सा पॉइंट ध्यान रखना है बस, और क्या भैया इसके अंदर? ठीक है सर जी, ठीक है, इतना हम ध्यान रख लिया। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखो तुम पहले भैया, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस तुमको बताना है। हम बेटा तुमको यहां पर डायोड जो है उसको पूरा बड़ा बना देते हैं। ये रहा डायोड, ये रहा डायोड, ये रहा डायोड, और ये रहा डायोड। चुपचाप से हमको ये बताइए कौन सा ऑप्शन फॉरवर्ड बायस है, कौन सा ऑप्शन रिवर्स बायस है, चेक करके तुरंत दिमाग में। अच्छा सर जी, तो सर जी हम बता रहे, रुक जाइए, बताते हैं। ओके बेटा बता दो, कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है बेटा, ये तुमको निकालने आना चाहिए। इसमें फॉरवर्ड बायस डायोड कौन सा है, इसमें रिवर्स बायस डायोड कौन सा है, तुमको ये बताना है बेटा। अच्छा सर जी बता रहे हैं, रुक जाइए से बताते हैं, आराम से बताओ बेटा, ध्यान से बताओ और एक बार में बताओ, आना चाहिए बेटा। सिंपल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स में बायसिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बेटा, एक उसी में से एक क्वेश्चन ये है। ओके सर जी ठीक है, ठीक है ठीक है, बता रहे हैं, बताओ बेटा जल्दी से। चलिए वेरी गुड, चलो देखते हैं भैया क्या दिक्कत है। सर जी डायोड ऐसे है, मतलब इसका पी यहां रहा, ये रहा पी, इसका भैया क्या है पी, ये रहा एन, ये रहा। अच्छा हम ये देख रहे हैं इसका पी क्या है, 10 है, एन क्या है, 5 है, यार 5 है ये और ये 10 है, यार ये पी क्या है, हाई पोटेंशियल पर है, और भैया एन क्या है, लो पोटेंशियल पर है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो भैया जो ए है वो फॉरवर्ड बायस है। अच्छा भैया ठीक है, बी पर चलते हैं, बी में देखा कि ये बेटा ये क्या है, पी है, ये क्या है बेटा एन है, एन क्या है 0 वोल्ट, पी क्या है -10 वोल्ट। बेटा याद रखिएगा कि यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो तो बेटा देखो, याद रखिएगा -10 क्या होता है बेटा, छोटा होता है 0 वोल्ट से। अच्छा हाँ सर जी, तो भैया देखो ये आपका क्या है, ये हाई पोटेंशियल पर है, कौन, पी, जो आपका यहाँ पर देखो डायोड है, ये एन है, ये पी है बेटा, तो एन क्या है 0 वोल्ट, मतलब ये हाई पोटेंशियल पर है, पी क्या है -10 वोल्ट, बेटा ये लो है, ये लो पोटेंशियल है, तो बेटा ये क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। तो बेटा क्या ये तुम लोग को बात समझ आए, क्या ये तुमको बात समझ आया बेटा? हम फिर से कह रहे हैं सिर्फ प्लस माइनस मत देखिएगा, ज्यादा कम मत देखिएगा। तुम लोग क्या करोगे, यहां पर 10 है, यहां पर 0 है, तो फॉरवर्ड हो जाएगा। नहीं बेटा,
ये माइनस दस है बेटा, तो माइनस दस जीरो से कम होता है, मतलब जीरो क्या है, हाई है, और ये क्या है, लो है। क्या ये बात समझ में आया, क्या ये बात बेटा सब लोग समझ पा रहे हैं? बिल्कुल बराबर बेटा, कुछ भी इसमें नया नहीं बेटा, प्रैक्टिस करोगे जितना बेटा उतना समझ में आएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर जी बिल्कुल। अच्छा यहां देखते हैं, अच्छा एरो इधर, मतलब ये क्या हो गया पी, ये हो गया एन। एन क्या है बेटा, माइनस बारह है। पी क्या है बच्चा, माइनस पांच है। सर जी माइनस बारह माइनस पांच में कौन ज्यादा होता है? बना लो यार, बना लो, अगर कभी भूल तो है बना लो। यहाँ पहले माइनस पांच आएगा, फिर माइनस बारह आएगा, मतलब माइनस पांच ज्यादा है माइनस बारह से। मतलब पी क्या है, हाई पोटेंशियल पर, एन क्या है, लो पोटेंशियल पर। तो ये क्या हो गया आपका, दिस विल बी योर क्या बेटा, आपका फॉरवर्ड बायस। ज्यादा अगर पी है एन कम है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉरवर्ड बायस। बताओ क्या भैया, सी क्या है तुम्हारा, फॉरवर्ड बायस। अच्छा आगे बढ़ते हैं डी पर, डी में देखते हैं बेटा। अच्छा सर जी डी में देखते हैं, यहां सर ये रहा पी, ये रहा एन। पी क्या है सर जी, जीरो वोल्ट है। एन क्या है सर जी, पांच वोल्ट है। तो देखो एन क्या है, बड़ा है। पी क्या है, कम है। भैया ये एन जब बड़ा होगा पी से, तो भैया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स बायस। ये क्या हो गया आपका, रिवर्स बायस। बात बराबर है, बराबर बेटा। इसमें बेटा कैसे पूछा हुआ था, ए एंड सी इज करेक्ट, बी एंड सी इज करेक्ट, इस तरह से पूछेगा, निकाल लोगे, कोई दिक्कत कोई गिला सिक्को बेटा, बता दो एक बार आराम से। सर जी थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, प्रैक्टिस खूब करेंगे इसके ऊपर। अभी बस इतना सा ध्यान रखिएगा, क्या भैया ध्यान रखिएगा बस, कि भैया क्या, कि हमारा बेटा इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पी। ये एरो बेटा ऐसे बनेगा डायोड का, ये क्या होता है पी, और ये क्या होता है बेटा एन। ठीक है, अगर पी क्या है बेटा, हाई पोटेंशियल पर है, एन क्या है बेटा, लो पोटेंशियल पे है, तब जाके तुम कहोगे भैया ये फॉरवर्ड बायस है, नहीं तो बेटा तुम कहोगे रिवर्स है बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। मान लो बेटा हमने कहा यहां पर तुमसे, यहां पर हम तुमसे ये कह दें कि यहां पर लिखा है आपका माइनस दो वोल्ट, यहां लिखा है माइनस चार वोल्ट, तुम क्या कहोगे, ये फॉरवर्ड बायस है कि ये रिवर्स बायस है? क्या बोलोगे बच्चा लोग, ये फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है बेटा, जल्दी से बताओ, ये बेटा फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है? रुकिए सर, हमको सोचने दीजिए, आप तो पढ़ पढ़ा के आए हैं, हम लोग तो अभी नए नए हैं, सीखने दीजिए। अच्छा भैया सीख लो, P माइनस दो, N माइनस चार। आपने बताया कि P ज्यादा होगा N से तो फॉरवर्ड होगा, अगर N ज्यादा होगा P से तो रिवर्स होगा, हमने कहा बेटा हाँ। तो देखो बेटा क्या बात, सिंपल सी, माइनस दो जो होता है वो क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है माइनस चार से। अच्छा भाई इसका मतलब पी क्या है, हाई पोटेंशियल पर है, एन क्या है, लो पोटेंशियल पर है, इसलिए सर जी ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। बोलो यस और नो, बात बराबर, बात बराबर, बोलो यस और नो, क्या तुम ये खेल जाएगा, बोलो यस और नो। जी सर जी बिल्कुल। अच्छा इसी तरह बढ़ते, ध्यान से, यहां मान लीजिए हमने लिख दिया, यहां पर हमने मान लीजिए बड़ा क्या लिख दिया, यहां पर हमने लिख दिया, यहां पर बड़ा मान लीजिए हमने लिख दिया माइनस, यानी माइनस लिखते बड़ा, यहां लिखते बड़ा क्या, हम लोग यहां पर लिख बना लीजिए, यहां लिख देते हैं माइनस वन वोल्ट। अब इस केस में क्या होगा बेटा, ये माइनस टू वोल्ट है, ये माइनस वन वोल्ट है, तो अब तुम क्या कहोगे? सर जी देखो बात सिंपल सी है, ये एन जो है माइनस वन है, पी क्या है माइनस टू है, माइनस वन क्या होता है, माइनस वन जो होता है सर जी ज्यादा होता है माइनस टू से, इसलिए सर जी ये ज्यादा है, ये ज्यादा पोटेंशियल पर है, ये सर जी कम पोटेंशियल पर है, तो सर जी अगर ये ज्यादा होगा ये कम होगा उसको हम कहेंगे रिवर्स बायस। बोलो यस सर, बोलो ये बात तुम समझा? जी सर जी बराबर, एकदम चौचक समझ गया। बोलो यस सर, जी सर जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से, इंडिपेंडेंस है, सफेद कुर्ता है, सफेद सफेद बातें हैं चल रही है बेटा। बोलो यस सर, नो, जी सर जी बराबर। ठीक है बेटा, अगले 45 दिन ढंग से बस रम जाइए, आप कहीं पढ़ रहे हो अच्छी बात है बेटा, सेशंस देख लिएगा जरूर, आपको बेटा एडवांटेज मिलेगा, बता रहे हैं बेटा। ठीक है, और बहुत कुछ अगड़म बगड़म पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब से थोड़ा अगड़म बगड़म क्या है बेटा बताएंगे। ओके सर जी ठीक है, आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जी सर जी बिल्कुल, तो भैया आगे बढ़ते हैं, तो भैया अगला पॉइंट क्या है बेटा, उसको पढ़ने से पहले आओ कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, उसके बाद तुमको थोड़ा सा दिमाग में सब कुछ जाएगा। जब तक कि एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं होंगे क्या फायदा। अच्छा भाई ठीक है, एग्जाम का एक क्वेश्चन बता दो बेटा जल्दी से, एग्जाम का एक क्वेश्चन बेटा। देखो डायोड दो लेक्चर लेगा, डायोड बेटा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हमने एक लेक्चर पढ़ाया हल्का फुल्का, अब डायोड में जो बेटा आगे की पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे करंट इक्वेशन।
अच्छा भैया ठीक है, डायोड का वोल्टेज रिवर्स सैचुरेशन करंट बहुत सिंपल है, दो चार न्यूमेरिकल आता है उसके ऊपर, कर लेंगे काम खत्म। उतना ही तुमको पढ़ना है पहले यार, उतना पढ़ लो उसके बाद बैठा देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर एक बार में। अच्छा सर जी देते हैं एक बार में आंसर, जी सर जी बिल्कुल दे रहे हैं, समय दीजिए। हाँ बेटा समय ले लो, समय ले लो बेटा समय ले लो। ओके सर जी ठीक है, क्या होगा बेटा, चलिए ग्रेट, तो सब लोग यहां पर सही बता रहे हैं, वेरी गुड, चलो वेरी गुड। तो यहां पर देखो बेटा क्या है, हम लोग को क्या दिया है भैया, एनएच और जो आपका यहां पर एनी ही है वो क्या है भैया, वो इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन है, किसमें, एक्सट्रिंसिक में भैया। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर याद करो कैसे बनता है, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, डोपिंग मतलब इंप्योरिटी को ऐड करना, तब हमको क्या मिलता है, एक्सट्रिंसिक मिलता है। हाँ सर जी याद है। अच्छा प्योर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर है, मतलब ये क्या है बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये क्या है बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें तुमने इंप्योरिटीज ऐड किया, मान लो बेटा क्या है वो आपका बोरॉन हो गया ट्राइवेलेंट, या आपका नाइट्रोजन हो गया पेंटावेलेंट, तो भैया वो क्या बनेगा, एन टाइप पी टाइप एक्सट्रिंसिक बनेगा। अब वो क्या बनेगा भैया उसने नहीं बोला, उसने बोला एक्सट्रिंसिक है भैया, एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन और होल के कंसंट्रेशन बराबर नहीं होंगे, कौन ज्यादा कौन कम वो डिपेंड करेगा वो पी टाइप है कि एन टाइप है। अगर पी टाइप होता तो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एन टाइप होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते नंबर ऑफ होल से, पर यहां पर सिंपली लिखा है एक्सट्रिंसिक, बड़ा एक्सट्रिंसिक लिखा है, इसलिए सर जी डी विल बी द आंसर। बोलो यस सर, कोई बात प्रॉब्लम नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर ये बात है, हाँ बेटा मान लो यहीं पर तुमसे कह देता कि हमारा जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो कौन सा है बेटा, वो एन टाइप है, तब तुम क्या मारते आंसर, कह देता कि भैया एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो भैया वो यहां पर कौन सा रिलेशन तुम्हारा सही होता, तब तुम क्या कहते बेटा, तब तुम कहते कि भैया हमारा एन टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है नंबर ऑफ होल्स से। बोलो बात बराबर बेटा, बोलो यस और नो, जी सर जी। अच्छा अगर बेटा वो बोल देता कि भैया क्या है हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो प्योर है, प्योर मतलब इंट्रिंसिक है, तो इंट्रिंसिक में क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर होता बेटा, इसको हम क्या लिखते हैं, एनआई लिखते हैं, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के बराबर होता। अच्छा अगर बेटा क्या होता, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, तो बेटा क्या होता हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते बेटा, ये एक्सट्रिंसिक है और ये क्या है, पी टाइप है बेटा, ये क्या है आपका, पी टाइप है। बोलो यस सर, जी सर जी बात बराबर है। अगर बेटा बोल देता कि हमको बताओ ये किसके लिए वैलिड है, Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इनटू नंबर ऑफ होल का कंसंट्रेशन बराबर नंबर ऑफ इंट्रिंसिक के कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये किस सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड है, क्या बताओगे बेटा। ये जो एक लॉ है जिसको हम लोग कहेंगे मास एक्शन लॉ, आगे आएगा पढ़ेंगे बाद में, लेकिन हमने रैंडमली पूछ दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ होल का कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, ये किसके लिए वैलिड है बेटा, ये किसके लिए वैलिड है, किसके लिए सत्य है, ये किसके लिए सत्य है इक्वेशन, तो सर जी किसके लिए सत्य है, ये किसके लिए सत्य है बेटा। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो बेटा ये किसके लिए सत्य होगा, तो सर जी ये सत्य होगा, ये जो सर जी लॉ है इसको हम लोग मास एक्शन लॉ बोलते हैं, पढ़ेंगे आगे, अभी भूल जाओ, अभी इतना ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं मास एक्शन लॉ। ये बेटा क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है बेटा, आपका वैलिड होता है। इंट्रिंसिक के लिए कहेंगे तो भैया ये क्या होता है बेटा, इंट्रिंसिक के लिए भी वैलिड होता है, ये बोल दीजिएगा भैया ये सबके लिए वैलिड होता है, ये मत कहना कि सर जी ये क्या होता है एक्सट्रिंसिक के लिए होता है बेटा, ये सबके लिए, इंट्रिंसिक हो एक्सट्रिंसिक हो पी टाइप हो एन टाइप हो, ये बेटा सबके लिए वैलिड है, सबके लिए ये सही आंसर देगा, क्या ये तुम ध्यान रखोगे, बोलो यस और नो। तो दिस लॉ इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, याद रखोगे बेटा, बोलो यस और नो, जी सर जी। तो बेटा ये क्वेश्चन आ चुका है।
ठीक है, तुम यहीं से देखो ना, तुम यहीं से देखो, इंट्रिंसिक में ये होता है, तुम एनी की जगह रखो एनआई, तुम एनएच की जगह रखो एनआई, यार तुम्हारा ये एनआई स्क्वायर नहीं आ जाएगा क्या? हाँ सर जी आ जा रहा है। तो याद रखिएगा ये तो बेटा मास एक्शन लॉ होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर होल का जो कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई है वो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर होता है, ये सबके लिए वैलिड है, याद रखिएगा, बहुत पीटेंगे। ओके सर जी ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल सर जी इसको याद रखेंगे, ठीक है, ओके सर जी बराबर है। अच्छा अब आओ बेटा, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो ये बड़ा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अच्छा पी टाइप सेमीकंडक्टर में कह रहा भैया हमको ये बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। अच्छा सर जी बराबर क्वेश्चन है, सिंपल है, कर लेंगे। हाँ बेटा क्यों नहीं कर लोगे, सिलेक्शन लेना है तो करना ही पड़ेगा भैया, करेंगे सर जी, आंसर दे बेटा। जी सर जी बिल्कुल बराबर, जी सर जी बराबर, ठीक है। तो इस केस में आंसर क्या दीजिएगा बच्चे, बराबर से भैया, पी मतलब भैया होल ज्यादा, पी मतलब भैया क्या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लेकिन बेटा यहीं पे तो खेला है, यहीं पे तो खेला है ना जी बेटा, हाँ सर जी यहीं पे तो खेला है। हम लोग को भैया क्या लगता है पी टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ जो होल होगा ज्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से निगेटिव से, तो भैया आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। नहीं बेटा यही तो गलती कर जाए हम लोग। अच्छा सर जी फिर क्या, याद रखिएगा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो होता है अनचार्ज, क्या होता है अनचार्ज। अच्छा एक्सप्लेन, हाँ भैया एक्सप्लेन करेंगे, अभी क्या होता है अनचार्ज होता है। अच्छा अनचार्ज होता है, यस सर जी याद रखोगे, कैसे भैया कैसे एक्सप्लेन करो, देखो बेटा क्या बात सिंपल थी, बेटा तुम्हारा क्या हुआ, ये मान लो सिलिकॉन है, ठीक है चार इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है सर जी ठीक है चार इलेक्ट्रॉन है, आपने क्या किया यहाँ पर, आपने क्या किया बेटा यहाँ पर बोरॉन जोड़ दिया, बोरॉन जोड़ दिया बेटा, ठीक है सर जी बिल्कुल ठीक है जोड़ दिया बेटा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर चलो हम एक पेंटा वैलेंस बेटा, मान लो यहाँ पर क्या तुम्हारे लिए बेटा नाइट्रोजन ले लिया, ठीक है बेटा आप जल्दी समझ जाओगे, ये कितना बेटा पांच, एक दो तीन चार और एक पांच बाहर निकल गया बेटा, जब ये बाहर जाएगा तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा यहां पर निगेटिव आ जाएगा, भैया यहां पर जितना वो निगेटिव है उतना पॉजिटिव है, तो भैया बात सिंपल सी ये है कि दोनों मिलकर बेटा ये है तो एक ही एलिमेंट के अंदर, ये कहां पर है एक एलिमेंट के अंदर ही तो है भैया, जो ओवरऑल जो आपका चार्ज होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा अनचार्ज। तो चाहे बेटा यहां पर क्या लिखा हो P टाइप लिखा हो चाहे N टाइप लिखा हो, कभी भी ध्यान रखिएगा दोनों तरह के सेमीकंडक्टर क्या होते हैं अनचार्ज होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्या ये तुम बात समझा, क्या ये तुम बात समझा बेटा, कभी भी ध्यान रखिएगा कि तुमसे पूछेगा P टाइप या N टाइप, बच्चा क्या करता है N टाइप में लगा देगा निगेटिव और P टाइप में लगा देगा पॉजिटिव, रॉन्ग, दोनों ही क्या होते हैं बेटा अनचार्ज होते हैं। क्यों भैया, कहीं से अगर तुम इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो भैया वो तो पॉजिटिव है, तुम निगेटिव ले गए भैया तुम हो तो उसी घर में। अरे भैया देखो जैसे मान लो, ठीक है ये फर्स्ट फ्लोर है, इसके ऊपर सेकंड फ्लोर है, होता है ना भैया जब कोई त्योहार पड़ता है तो लेडीज लोग फर्स्ट फ्लोर पर जेंट्स लोग ऊपर, क्यों भैया जेंट्स ऊपर जाके पार्टी करेंगे। अच्छा लेकिन भैया जब ये अलग हो गए, नीचे सब निगेटिव बतियाए जा रही है कि यहाँ फलाने की ये है, फलाने हमको ऐसा कह रही थी, फलाने का झुमका ऐसा था, फलाने का था कहना ऐसा था, निगेटिव चल रहा है, ऊपर से पॉजिटिव मस्त एकदम। तो भैया बात ये है अलग अलग जगह पर, भैया यहाँ पर निगेटिव सब है वहां पर सब पॉजिटिव है, लेकिन भैया ओवरऑल है तो सब एक ही घर में, भैया है तो वो सब एक ही घर में ना बेटा, एक ही घर में है ना जी, एक ही घर में है पूरा, भैया फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जुड़ा दोगे एक ही घर में ना बेटा, बोलो हाँ या ना, जी सर जी। भैया ओवरऑल कितना है भैया, न्यूट्रल ही है, ये नहीं कि यहाँ फलाने के हस्बैंड ऊपर गए तो वो फ्री है निगेटिव हो गए, नहीं बात समझा, बोलो यस सर नो, नहीं खेलेगा जी, बोलो हाँ या ना। तो ये सब बकैतिया समझ में नहीं आ रहा जी तुम लोग को, कि बताएं खेल जाओगे कोई दिक्कत नहीं, सर जी कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा याद रखिएगा चाहे पी हो चाहे एन हो, ओवरऑल क्या है बेटा, ओवरऑल भैया वो है तो एक घर में ही, और जब एक घर में है तो भैया काहे का चार्ज, सब घूम फिर के मिलेंगे ही, ठीक है। ओके सर जी बराबर बात है, खेल जाएंगे, बोलो यस और नो, जी सर जी खेल जाएगा, यस सर जी बड़ा याद रखिएगा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, इसलिए पहले ध्यान से वो सब पढ़ लो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाद में बेटा करते रहना बड़े बड़े सवाल। ओके सर जी ठीक है, आगे बढ़ा जाए, यस सर जी आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन ठीक है।
हमको ये बताओ सेमीकंडक्टर डिवाइस में क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है बेटा? या इसमें तुम्हारा लिमिटेशन मतलब भैया जो इसके अंदर काम नहीं कर सकते। बेटा हमने स्टार्टिंग बताया था, इंटरव्यू में जाओगे तुमसे पूछेगा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस होता है, तुम क्या बताओगे? वही बेटा यहाँ पर लिमिट है। यस सर जी बिल्कुल। तो तुरंत आंसर दो बेटा, हम एक गिलास पानी पी लेते हैं, गला सूख जा रहा है। ओके सर जी ठीक है। एक तो डॉक्टर इतना हार्ड दवाई लिखा है कि पूरा मुंह सूख जाता है तुरंत के तुरंत। ठीक है चलिए। वो हार्ड दवाई लिखता है कि हम सो जाएंगे, उसको ये नहीं पता है कि हम बीटेक किए हैं। ठीक है तो कोई बात नहीं, समझदार को इशारा काफी। चलो तो भैया इसका आंसर बताओ बेटा। ठीक है तो ये बात तुम लोग समझा, बोलो यस और नो। जी सर जी बिल्कुल समझ गया, खेल जाएंगे। हाँ सर जी बिल्कुल। तो वन सीरियस ड्रॉबैक ऑफ सेमीकंडक्टर क्या बेटा? दे कैन नॉट बी यूज्ड विद हाई वोल्टेज, बोलो यस और नो। जी सर जी बराबर, बात बराबर है। जी सर जी बिल्कुल। ठीक है तो ये सब तुम लोग बात समझ रहा है? यस सर जी बिल्कुल बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खेल जाएंगे। ओके सर जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है और भैया आगे बढ़ के हमने देखा अगला क्वेश्चन क्या भैया? इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर टेक प्लेस ड्यू टू, अच्छा अच्छा क्वेश्चन बेटा, सिंपल है, कर लोगे इसको बेटा, कर लो इसको भी कर लो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, सिंपल भी है। यस सर जी। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन अ सेमीकंडक्टर टेक प्लेस, भैया कह रहा है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है सेमीकंडक्टर में वो भैया किसकी वजह से होता है? अच्छा सर जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है बेटा, याद रखिएगा दोनों इलेक्ट्रॉन और होल के दोनों की वजह से होता है बेटा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? बाइपोलर। बाइपोलर के और एग्जांपल तो भैया डायोड क्या होता है? बाइपोलर। बीजेटी क्या होता है? बाइपोलर। एससीआर क्या होता है? बाइपोलर। अगर यही पे आ जाए बेटा क्या एफईटी जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा, एफईटी वो बेटा क्या होता है? वो यूनिपोलर होता है। क्यों भैया? क्योंकि उसमें जो कंडक्शन होता है वो किसी एक चार्ज की वजह से होता है, चाहे वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे वो होल होगा। यस सर जी बिल्कुल। तो ये तुम लोग बात ध्यान रखोगे? जी सर जी बिल्कुल ध्यान रखेंगे, तो बेटा इस पे क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है अच्छा सर जी ठीक है ओके। बेटा देखो ध्यान रखिएगा, एफईटी की बात हो रही है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या हम ये तुम्हारा एल्गोरिदम सही बना रहे हैं? एफईटी क्या होता है? दो पार्ट में, एक होता है बेटा क्या? जेएफईटी। अच्छा भैया ठीक है, दो तरीके के बेटा क्या? एक एन चैनल और एक पी चैनल। अच्छा भैया एक होता है भैया मॉस्फेट। अच्छा भाई मॉस्फेट, हाँ गुरु जी मॉस्फेट। वो भी क्या होता है भैया आपका? इनहांसमेंट टाइप। अच्छा भैया और डिप्लीशन टाइप। अच्छा भाई ठीक है, ये आपके होते हैं। फिर इसमें फर्दर क्या होते हैं? एन टाइप, पी, एन चैनल, पी चैनल, और यहाँ भी एन चैनल पी चैनल। तो बेटा ये हम लोग को पढ़ना है, इसको एक दिन दिया जाएगा, ये पूरा कंप्लीट हम लोग पूरा एफईटी पढ़ लिया जाएगा, JFET, MOSFET, enhancement, depletion, खेला हो जाएगा। ठीक है तो इनको एल्गोरिदम ये याद रखिएगा, यही पूरा है तुम्हारा यूनिपोलर डिवाइस। अच्छा सर यही है, हाँ बेटा यही है। तो इनको हम लोग पढ़ेंगे, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बेटा, मेटल ऑक्साइड आपका बेटा फील्ड इफेक्ट। भैया इनको तैयारी से ध्यान रखिएगा, मिलते हैं बेटा जल्दी ही और इनको निपटाते हैं। चलिए आगे ना भाई साहब, देखो आगे आगे बेटा आगे भाई साहब, चलो आंसर दो आगे भाई साहब ये लोग। ठीक है तो इनका आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है चलो इनका आंसर आप देंगे। ओके सर जी ठीक है, हमने कहा था बेटा याद करो, ये बेटा सारे एसएससी जेई के क्वेश्चन है और पता नहीं कितने जेई एग्जाम में आ चुके हैं। तो भैया इसका आंसर एक बार दे दोगे? यस सर जी बिल्कुल दे देंगे। तो इसका आंसर दे लो बेटा जल्दी से। क्या कह रहे भैया कि यहाँ पर हमको पी टाइप बनाना है बेटा, तो पी टाइप में भैया तुम क्या जोड़ोगे? पी टाइप के लिए तुम जोड़ोगे ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट मतलब क्या बेटा? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, याद है ना ऊपर थैला की भैया थवेला हो गया वो। ठीक है तो भैया याद होगा? यस सर जी बैंगन, अच्छा आलू, गाजर, इन थैला, बैंगन। अच्छा सर जी ठीक है, आपका बेटा आलू और बेटा क्या यहाँ पर ध्यान से आंसर टीप दो। ओके सर जी बता रहे हैं बता रहे हैं बता रहे हैं ध्यान से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सब लोग का आंसर बिल्कुल सही बेटा, और ध्यान रखिए बेटा थोड़ा सा भी वो गलती कराएगा तो उसके लिए तैयार रहिएगा बेटा। और आपका नाना पाटेकर और बेटा क्या ऐश्वर्या, सब गरीब
उनको भी ध्यान रखिएगा बेटा, ये आपको हम लोग क्या देगा एन टाइप और ये देगा पी टाइप, इस पर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, फॉरबिडन गैप। क्या भैया? फॉरबिडन गैप फॉर जर्मेनियम क्रिस्टल एट जीरो के। ये कह रहा है जो फॉरबिडन गैप क्या होता है बेटा, एनर्जी गैप। ये क्या होता है गुरुजी? बेटा ये जो कंडक्शन बैंड होता है और जो वैलेंस बैंड होता है उसके बीच में जो गैप उत्पन्न होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन गैप। वो जर्मेनियम के लिए कितना होता है क्या बताओगे बेटा? सिंपल है, खेल जाओगे? यस सर जी बिल्कुल खेल जाएंगे। तो आंसर क्या दीजिएगा? यस सर जी बिल्कुल आंसर देंगे बेटा यहाँ पर क्या, 0.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो यस और नो। जी सर जी, अगर हमने यहाँ पर तुमसे कह दिया कि मान लो बेटा यहाँ पर क्या है, यहां पर तुम्हारा कितना है, यहां पर मान लो बेटा क्या है 2 वोल्ट है, यहां बेटा क्या है सिलिकन है, तो हमको ये बताइए कि यहां पर जो है हमको एक्स और वाई जो है यहां पर वोल्टेज कितना मिलेगा, यहां पर हमको वोल्टेज कितना मिलेगा बेटा? कह रहा अगर यहां पर 2 वोल्ट है और यहां पर क्या है बेटा आपका सिलिकन है तो हमको यहां पर वोल्टेज कितना मिलेगा बता लोगे? बता लोगे? सिलिकन का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है बेटा? सिलिकन का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है? अब हमने क्या पूछा तुमसे? हम तुमसे वोल्टेज पूछ रहे हैं, वहां पर क्या पूछा? एनर्जी पूछा। तो यहां पर सिलिकन के लिए बेटा कितना होगा एनर्जी गैप? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यहां पर सिलिकन का हम एनर्जी नहीं पूछ रहे हैं, हम पोटेंशियल पूछ रहे हैं बेटा। तो पोटेंशियल कितना होता है किसी को याद है क्या? किसी को याद है? हाँ सर जी याद तो है हम लोग को, वेरी गुड। सब लोग का यहाँ पर बेटा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ग्रेट। तो बेटा यहाँ पर सिलिकन का जो बैरियर पोटेंशियल होता है 0.7 होता है। तो भैया ये कैसे लगा होता है बेटा? ये लगा होता है ऐसे, एक यहाँ पर बैटरी लगी होती है, बैटरी लगी होती है ऐसे, ये होता है 0.7 वोल्ट। तो इसका प्लस इसके प्लस से जुड़ा हुआ है तो यहां पर वोल्टेज क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो वोल्टेज माइनस कर दो यहां पर 1.3 वोल्ट। बोलो क्या ये बात तुम समझेगा? बोलो क्या ये बात तुम समझेगा? जी सर जी। और जैसे तुम ये करेगा पूरा का पूरा खेला खत्म हो जाएगा। क्यों? क्यों बेटा यहीं पर तो खेल है, तुम यहां पर और यहां पर कंफ्यूजन कर रहा है। जी सर जी कंफ्यूजन कर रहा है बेटा। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि ये बैरियर पोटेंशियल जो वोल्टेज है वो किसका है, ये सिलिकन का है कि जर्मेनियम का है? तो बेटा इसी को हम लोग खेलने वाले हैं, ध्यान से दिमाग में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे फंडामेंटल्स को पकड़ेगा नहीं तो बेटा खेल जाएगा। बोलो यस और नो। तो क्या तुम लोग इसको याद करके बताएगा बेटा? क्या तुम हमको याद करके बताएगा कि भैया आज तुम्हारे लिए जो असाइनमेंट है बेटा वो ये है कि तुमको ध्यान रखना है फॉरबिडन गैप तो हमने तुमको याद करा दिया, सिलिकन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और भैया जर्मेनियम के लिए कितना होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हम तुमसे पूछेंगे कि जो हमारा यहाँ पर 0.3 वोल्ट होता है, 0.7 वोल्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, वो भैया सिलिकन का कौन सा है और जर्मेनियम का कौन सा है बेटा, ये तुम लोग आज ही के आज याद कर लेना, हम इस पर क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है? तो बेटा इसी तरह से पढ़ाई होती है, ये नहीं कि हाँ आज देख लिया कल 4 दिन बाद वो देखेंगे, 10 दिन पहले 24 घंटे वाले मैराथन देखेंगे हो जाएगा, नहीं बेटा ऐसे नहीं होगा, ठीक है? एनर्जी गैप अलग होता है, बैरियर पोटेंशियल अलग होता है, इनको एक मत करिएगा, ठीक है? अच्छा सर जी ठीक है, तो अभी के लिए तुम इस पर फोकस करके रखो बेटा और ये तुम लोग देख कर आओगे, हम बेटा आप पर इससे खूब सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, तैयार रहिएगा। ओके सर जी ठीक है, दिमाग में रख लेंगे, अभी बेटा इस पर फोकस करिएगा। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन सिंपल है। यस सर जी सिंपल है, ये सब बकैती वाले क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे? यस सर जी बिल्कुल कर लो बेटा। ओके सर जी बिल्कुल 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 ठीक है। चलिए हम बेटा कुछ लोग सही दे रहे हैं, कुछ लोग गलत दे रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं बेटा उसको तुम याद करके रख लोगे तो भैया क्वेश्चंस करने मजा आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चा? ऑब्वियस सी बात है बेटा, सेमीकंडक्टर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है, मतलब क्या? टेम्परेचर हवा बढ़ाओगे तो आर कम होगा और आर कम होगा तो भैया बात सिंपल सी है, कंडक्टिविटी बढ़ेगा, भैया यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशियंट क्या जाएगा? नेगेटिव, ठीक है? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन,
क्या भैया कि इन अ पी टाइप, इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सेप्टर वैलेंस बैंड। अच्छा भैया, अच्छा सर जी बेटा, ये क्या है भैया? ये कुछ नहीं बेटा, इसको तुम बोलो फर्मी लेवल। बेटा क्या ये फर्मी लेवल है? क्या बेटा ये आपका फर्मी लेवल है। अच्छा सर जी, वो जो चल रहा था वही क्या? हाँ सर जी, वही वही सर जी वही। अच्छा सर जी, कर लो बेटा, कर लो, कर लो बेटा, कर लो, ध्यान से करना। अच्छा सर जी, कर लेंगे, कर लेंगे बेटा। अभी हमने इसको अभी पहले किया था, अभी हमने इसको बेटा पहले किया था। बोलो ऐसा नो, बोलो हाँ ना, किया था ना सर जी, बिल्कुल किया था। आंसर दे लेगा सब लोग? यस सर जी, बिल्कुल दे लेंगे। और ऑलमोस्ट सब लोग का बेटा आंसर यहाँ पर तैयार है। ग्रेट, ठीक है। तो वो एक्सेप्टर लेवल बोलेगा, डोनर लेवल बोलेगा, करते हैं यार, क्या दिक्कत है भैया? एक्सेप्टर भैया, इसमें पी टाइप में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी है भैया, ये तो एक्सेप्ट ही करेगा। तो भैया यहाँ पर जो आपका फर्मी लेवल, एक्सेप्टर लेवल क्या होता है बेटा? वैलेंस बैंड के क्लोज होता है। पढ़ाए थे ना बेटा हम लोग यहाँ पर, ये रहा वैलेंस बैंड और ये होता है तुम्हारा एक्सेप्टर लेवल बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं फर्मी बेटा। बोलो यस और नो। जी सर जी, बिल्कुल सेम इज द केस विथ एन टाइप। बेटा एन टाइप में वो ऐसे लिखेगा, इन अ एन टाइप सेमीकंडक्टर डोनर वैलेंस बैंड। तो भैया ये भी तो वही फर्मी लेवल पूछ रहा है बेटा, ये भी क्या है बेटा? फर्मी लेवल पूछ रहा है। तो भैया किसमें पूछ रहा है? एन टाइप में। एन टाइप में जो फर्मी लेवल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोनर, वे यहां पर क्या होता है? ये कहां पर होता है बेटा? ये होता है जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। भैया हम लोग क्या बोल देंगे कि इट इज क्लोज टू व्हाट बेटा? इट इज क्लोज टू द बैलेंस कंडक्शन बैंड बेटा। तो ये हम लोग ध्यान रखोगे बेटा, बोलो हाँ ना, ये क्या होता है? कंडक्शन बैंड के बहुत ही क्लोज होता है। बोलो यस सर नो। बेसिक बेटा, मैं फिर कहा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिख के दिया है, मतलब पहले उस पर फोकस करते हैं, धीरे धीरे बेटा लेवल बढ़ेगा और 5-6 क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स जितना एग्जाम के लिए चाहिए हो जाएगा, बस पढ़ते रहना, ठीक है। खेल जाओगे सब लोग? बोलो यस सर नो। यस सर जी। तो भैया आपका डोनर लेवल जो होगा बेटा, वो कहां पर होगा? क्लोज टू द कंडक्शन बैंड या फिर बिलो द कंडक्शन बैंड। खेल जाएगा? यस सर जी, बिल्कुल। आओ बेटा आगे चलते हैं, अगला पॉइंट। तो भैया अगला पॉइंट कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अच्छा, तो जो तुम्हारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का, उस पर क्या असर होगा? अगर तुम टेम्परेचर हवा को इंक्रीज करोगे, तो ये पूछ रहा है कि भैया जो तुम्हारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का, क्या फर्क पड़ेगा? सिंपल है, यह सर जी सिंपल है, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे सर जी, समय दीजिए। हाँ बेटा समय ले लो, चलिए ग्रेट। तो सब लोग बेटा यहाँ पर आंसर दे देंगे और आराम से खेल जाएंगे। जी सर जी, बिल्कुल खेल जाएंगे, ठीक है, चलिए ग्रेट। तो ऑलमोस्ट सब लोग का बेटा यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड एंड वेरी गुड, ठीक है। चलिए भैया बात याद रखिएगा, क्या क्या रखेंगे भैया? कंडक्टर के लिए क्या होता है बेटा? टेम्परेचर कोफिशियंट होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, सेमी कंडक्टर के लिए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। तो भैया अगर तुम्हारा टेम्परेचर वहां बढ़ रहा है, तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा बढ़ेगा, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस प्रतिरोध कम होगा, मतलब भैया इसका कम होगा। ये आंसर सी, बोलो यस सर। खेल जाएगा? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, सब लोगों का सी आ रहा है, ठीक है। उसी तरह हम लिख देंगे यहां पर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, हम यहां लिख देंगे इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। उस केस में आंसर क्या मारिएगा बेटा? उस केस में आंसर क्या मारिएगा? उस केस में आंसर क्या मारिएगा बेटा? इस केस में सब लोग खेल जाएगा? यस सर जी, ब्लू खेल जाएंगे। इंसुलेटर हो चाहे बेटा सेमीकंडक्टर हो, दोनों का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब क्या भैया? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आर क्या होगा? कम होगा, काम खत्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलिए कह रहा भैया कि जो सेमीकंडक्टर होता है, उसमें जो बैरियर पोटेंशियल ऑफर करता है अपोजिशन, अच्छा, किसको किसको अपोजिशन करता है? कह रहा भैया कि जैसे ही तुम पी टाइप और एन टाइप को जोड़ते हो, तो ये जो बैरियर पोटेंशियल यहां बन जाता है, ये जो बैरियर पोटेंशियल यहां बन जाता है, वो किसको अपोज करता है? तो भैया किसको अपोज करता है तुम बता दो बेटा, किसको अपोज करता है, किसको इधर उधर जाने से रोकता है? तो किसको रोकता है बेटा? तो याद रखिएगा कि बेटा ये क्या करता है? मेजॉरिटी चार्ज को रोकता है। इधर से कहता है भैया, देखो यहां पे क्या है? प्लस है, ठीक है। तो
यह प्लस है, ठीक है, ये कहता है यहां पे जो प्लस होता है वो कहता है भाई ए भाई ए भाई ए भाई अपना माइनस हमको दे दो। कह रहा नहीं हम नहीं देंगे, हम बहुत मुश्किल से लेकर आए हैं इधर से, तुम जाओ अपना लेके आओ। तो ये जैसे ही आगे बढ़ता है ये कहता चल निकल पीछे, चल पीछे निकल, ये इसको रिपल मारता है, तुम निकलो यहां से, तुम नहीं जाओगे आगे। तो भैया ये आगे नहीं जा पाता है, कौन? पॉजिटिव वाला जो यहां पर होल है वो भैया इधर नहीं जा पाता है। अच्छा, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, निगेटिव है, ये इसको कहता है हम क्या तुमसे मिल जाएं? कह रहा नहीं भैया अभी अभी छुटकारा मिला हमको, हमको नहीं जुड़ना आप किसी से, आई डोंट वॉन्ट टू कम इन टू एनी रिलेशनशिप, तुम जाओ आगे। तो भैया जैसे ये आगे जाता है इसको यहां पर निगेटिव मिल जाता है, भैया क्या करे, क्यों किसी का जिंदगी बिगाड़ो, जाओ पीछे जाओ। तो भैया ये कहता पीछे चला जाता है। तो भैया ये क्या कर रहा है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को जाने से रोक रहा है, कौन? ये बैरियर पोटेंशियल, बोलो यस और नो। जी सर जी बिल्कुल। क्या जी तुम लोग क्यों हंस रहे हो यहाँ पे, तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोग हंस रहे हो जी, पहले बताओ, तुम लोग का ससुर हम याद करवा रहे हैं यहाँ पर, तुम लोग अपनी कहानियों में व्यस्त हो, ठीक है। अरे ससुर हम क्या कहे यहाँ पर, हम ये कह रहे हैं कि ये जो बैरियर पोटेंशियल ये क्या करता है कि जो यहाँ पर मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं इनके फ्लो को जाने देते, कहते भैया नहीं जाने देंगे, तुम लोग को जाओ, तुम लोग नहीं जाने देंगे बेटा। तो जो ये आपके मेजोरिटी कैरियर्स है इनके फ्लो को रोकता है कौन, ये बैरियर पोटेंशियल। बात समझा, बोलो यस और नो बेटा, क्या ये बात तुम समझा, बोलो यस और नो, खेल जाएगा, बोलो बेटा हाँ या ना। बेटा ये सब याद रखिएगा, ठीक है, और ये सब कर जाएगा, ठीक है बेटा, ये और ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इन सबको क्या करना बेटा, याद करने के लिए बोले हैं, ये नहीं कि इंटरव्यू में कोई पूछेगा तुमसे कि भैया बैरियर पोटेंशियल में क्या होता है तो तुम लग रहा ये बताने कि सर देखो इधर कहता है ये वो। एक्चुअली बेटा ऐसा ही हुआ था, फाइनल ईयर में इंटरव्यू होता है ना बेटा, तो फाइनल में इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो हमारी क्लास का एक था भैया, सबकी क्लास में होते, तो मेरा हॉस्टल में था, मैं हमारी बैच का था, ठीक है। तो इंटरव्यू वाला था, वो था इंटरव्यू वाला पूछता है कि व्हाट इज रिएक्टिव पावर, उससे पूछता है व्हाट इज रिएक्टिव पावर, हम लोग तीन बैच था, तीन चार बैच होता है, तो उससे पूछा व्हाट इज रिएक्टिव पावर, वो कहता है सर जी आपने देखा वो बियर की बोतल, सर जी आपने बियर का बोतल देखा है, उस बियर की बोतल में क्या होता है, जो ऊपर झाग होता है उसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर, और सर जी जो नीचे होता है उसको बोलते हैं एक्टिव पावर, ठीक है। तो वो जो कंपनी थी ना बेटा, वो उसको तो ब्लॉक की कि पूरा कॉलेज को ब्लॉक करके चल गई, ससुरे सब यहाँ पर पूछ रहे हैं रिएक्टिव पावर। तो सबने देखो, अब जो देखा हुआ है वही बोलेगा आदमी, सबने देखा होगा, सबने देखा है ना बेटा, ग्लास में लोग समझाते हैं कि भैया रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, टोटल पावर। ससुर को वही याद था, कह रहा सर देखो बियर की बोतल होती है, बियर की बोतल में क्या था, ऊपर जो होता है ना सर झाग, उसको कहते हैं रिएक्टिव पावर। हम यहाँ बैठे थे, हम कहे भैया गया, ये तो गया ही, अब वो क्या करेगा, वही वो वहां चुपचाप उठा गया ऑफिस में, ब्लैक लिस्ट, ये लड़का ब्लैक लिस्ट और ये कॉलेज भी ब्लैक लिस्ट, वो आया नहीं उसके बाद भी। तो हम लोग थर्ड ईयर में थे उस समय, हम कहे ससुर ये अगले साल हम नहीं आएगा। तो ये सब बकैती होती है बेटा, तो यहाँ लगा ये समझाने के लिए होता है, इसको बोलिएगा मत कि हाँ लगे तुम बोल दिए उसी में लगे हाथ कि सर जी ऐसे वैसे, ठीक है। तो बस यही है बेटा, यही कहानी है, यही तुम लोग को सीखना है और क्या, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। जी सर जी, तो ऐसे ही बेटा हंसते खेलते आगे बढ़ो यार, कहां को टेंशन लेते हो ससुर, 50 दिन है बेटा, 50 दिन बहुत होता है सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? यस सर जी बिल्कुल आ रहा है। तो बस बेटा यही हंसो खेलो और पढ़ाई को बेटा पूरा प्रायोरिटी, बोलो यस। जी सर जी बिल्कुल। चलिए तो यहां से चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी सर जी बिल्कुल चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है वो भैया कौन सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़ाइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी हम नहीं करेंगे, इसको पहले पढ़ाएंगे तब करेंगे बेटा। ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, इस क्वेश्चन को कर लो बेटा, एग्जाम में आ चुका है। ओके सर जी ठीक है, करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है भैया देखो, ये सर्किट है, इसमें कह रहा है भैया ये जो ए पोटेंशियल है, ये जो यहां पर ए पोटेंशियल है वो कितना होगा, ठीक है। ये जो ए पोटेंशियल है बेटा वो कितना होगा, ओके सर जी बताते हैं, ठीक है ना। चलिए ओके सर जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पूछ रहा बेटा, यहां पर जो ए होगा पोटेंशियल वो कितना होगा, सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, बहुत ध्यान से करिएगा। ओके सर जी ठीक है, कर लेंगे, समय दीजिए। हाँ बड़ा समय ले लो। अरे गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबका आंसर क्या आ रहा है, वेरी गुड। क्या नाम बच्चों का? प्रीतम, शुभम, खुशबू, शिवी, प्रीतम, पवन, टीटू, विष्णु, पंकज, नीलेश, प्रनेश, रोहित, शालिनी, दीपायन, दीक्षा, पंकज, इंस्पायर इंडिया, अच्छा, कार्तिक, गौतम,
रोहित, प्रीतम, शुभम, प्रनेश, शालिनी, विकास, यूके आर्ट्स, तन्मय, खुशबू, दीक्षा, रोहित, शिवा, पवन, प्रीति, रोहित, पवन, ठीक है, चलो वेरी गुड। तो सब लोग यहाँ पर आंसर दे रहे हैं बेटा, अच्छी बात है। द ओनली थिंग यू शुड रिमेम्बर बेटा, क्या सिंपल सी बात है बेटा, देखो ये पी है, ये बेटा क्या है, एन है, ठीक है। अच्छा, हमको दिख रहा है पी क्या है, माइनस तीन वोल्ट है, एन क्या है, जीरो वोल्ट है। कैसे जीरो वोल्ट है बेटा, देखो ये ग्राउंड है बेटा, तुमको दिख रहा है यहां पर क्या है, जो एन है वो हाई पोटेंशियल पर है। सर जी जीरो इससे ज्यादा होता है क्या? हाँ बेटा, जीरो जो होता है माइनस तीन से ज्यादा होता है। अच्छा भाई ठीक है, तो भैया यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपका जो एन क्या है बेटा, हाई पोटेंशियल पर है, पी क्या है, लो पोटेंशियल पर है। भैया ये आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। अच्छा हाँ सर जी, ये तो रिवर्स बायस है बेटा। अगर ये रिवर्स बायस हो जाएगा तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट, और जब बेटा ये ओपन सर्किट हो गया भैया, रिवर्स बायस मतलब क्या होता है भैया, रिवर्स बायस मतलब होता है ओपन सर्किट। तो अगर ये रिवर्स बायस हो गया मतलब भैया ये आपका रास्ता खुल गया यहाँ पर, तो ये आगे नहीं जा पाएगा। मतलब ये जो यहाँ पर ए पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर होगा, जीरो वोल्ट। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, यहाँ पर जीरो वोल्ट। क्या ये तुम बात समझा, क्या ये बात तुम समझ रहा बेटा, बोलो यार सुनो, क्या ये तुम खेल जाएगा ना बच्चा, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो तुरंत एग्जाम में कर लेंगे। जी सर जी बिल्कुल कर जाएंगे, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे। अब बेटा यहां से कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये देखो बेटा सिंपल है, यह सर जी सिंपल है, कर लेंगे बिल्कुल। डायोड को बेटा पहचानना सीखते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, कुछ डायोड हैं जो कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं हमको नहीं पता, लेकिन हमको भैया उनका सिंबल देखकर पहचानने आना चाहिए। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है एक डायोड ऐसा होता है जिसका जो प्रतिरोध है वो क्या होता है बेटा, निगेटिव होता है। कौन सा ऐसा डायोड है जिसका प्रतिरोध निगेटिव होता है? भले तुमको बेटा अभी नहीं पढ़ा है कोई बात, लेकिन ये सब डेफिनेशन याद होने चाहिए। कौन सा बेटा होता है यहाँ पर, तो सर जी यहाँ पर कौन सा आंसर दोगे, वेरी गुड, दैट इज योर टनल डायोड। तो टनल डायोड बेटा क्या होता है, सबसे ज्यादा डोपिंग होने वाला एलिमेंट है। कोई तुमसे पूछेगा सबसे ज्यादा डोपिंग किस डायोड में होता है, तुम बोलोगे टनल डायोड में होता है सबसे ज्यादा डोपिंग। डोपिंग मतलब इंप्योरिटीज को ऐड करना, सबसे ज्यादा इंप्योरिटीज टनल डायोड में हम लोग ऐड करते हैं। और भैया इसमें तुमको निगेटिव रेजिस्टेंस भी मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। अच्छा भाई, उसके बाद हम तुमसे पूछेंगे कि भैया हमको ये बताओ कि ये जो आपको बेटा टनल डायोड है उसका बेटा तुमको ध्यान से क्वेश्चन को करने से पहले याद रखिए बेटा, जो टनल डायोड है इसको बनाया किसने था, लियो इसाकी ने। सर जी ये क्यों बता रहे हो, पूछता है क्या? नहीं बेटा बता रहे, क्यों पूछ बता रहे हैं, ये सबसे ज्यादा डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है। अच्छा, उसके बाद भैया ध्यान रखिएगा, इसको बेटा हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि बेटा उसने एग्जाम में पूछ लिया था। तो जिसने टनल डायोड को इन्वेंट किया था उसने अपने नाम पर रख दिया। तो बेटा यहां पर ध्यान रखिएगा, विच टाइप ऑफ डायोड इज ऑल्सो नोन एज इसाकी डायोड। भैया इसाकी नाम है उस इन्वेंटर का जिसने बेटा इसको बनाया था, तो इसाकी डायोड को हम लोग टनल डायोड भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, बोलो यस और नो। जी सर जी बात बराबर है, यस सर जी बिल्कुल। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो भैया याद रखिएगा, ये तुमसे पूछेगा कि बेटा हमको ये बताओ ये किसका सिंबल है, तो क्या बताओगे, ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है बेटा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हम जो डायोड है वो कैसे काम करता है वो हम नहीं देख रहे हैं, हम बस सिंबल को अब पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बेटा एक ये सिंबल दिया हुआ है, ये किस डायोड का सिंबल है, क्या बताओगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ऑलमोस्ट यहां पर सब लोग आंसर दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, सबका आंसर सही भी आ रहा है, ग्रेट 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 एंड वेरी ग्रेट। ठीक है, तुम लोग के साथ समय का समय पसंद नहीं आता है, 11:15 और हमको लग रहा है अभी 9:30 बज रहा है, 10 बज रहा है, बहुत जल्दी तुम लोग समय खाते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा करेंगे ऐसे सूर्य को। ठीक है, याद रखिए बेटा ये क्या आपका शॉर्ट की डायोड है बेटा, शॉर्ट की डायोड है, बोलो यस और नो। जी सर जी बिल्कुल, ये क्या है शॉर्ट की डायोड बेटा। शॉर्ट की डायोड में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, मेटल को, एक मेटल लेते हैं और एक सेमी
कंडक्टर लेते हैं, जोड़ देते हैं। जब भी मेटल सेमी कंडक्टर को जोड़ोगे, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, शॉटकी डायोड। अच्छा बेटा हमको बताइएगा, क्या हम लोग शॉटकी डायोड को बोल सकते हैं? शॉटकी डायोड जो होता है बेटा, क्या उसको हम लोग हॉट कैरियर डिवाइस बोल सकते हैं? क्या इसको हम लोग हॉट कैरियर डिवाइस बोल सकते हैं, हाँ या ना? यस और नो में जवाब दीजिएगा। क्या शॉटकी डायोड को हम लोग हॉट कैरियर डिवाइस बोल सकते हैं, हाँ या ना? आराम से सर जी सोचने दो, पहिया घुमाने दो। हाँ बेटा घुमा लो, पहिया घुमाओ जी सर जी बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि बेटा शॉटकी डायोड को हम लोग हॉट कैरियर डिवाइस बोलते कि नहीं, देखेंगे अभी। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कह रहा है भैया इसमें से कौन सा ऐसा डायोड होता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, उस डायोड को बनाते हैं मेटल और सेमीकंडक्टर को मिला के। ऐसा कौन सा पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक मेटल और एक सेमीकंडक्टर को जोड़ के बनाते हैं? तो बेटा तुम लोग क्या बताओगे, तुम लोग बताओगे सर जी शॉटकी डायोड। बोलो यस सर, बात बराबर है, बराबर है। तो ये बेटा क्या है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेगा, सिंबल देगा, पहले सिंबल पढ़ते हैं बेटा, बाद में देखेंगे भैया कहाँ काम करते हैं, इसको क्यों यूज करते हैं, क्या काम करेगा, देखा जाएगा। पहले भैया सिंबल से पकड़ लो यार, एग्जाम पूछता है ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ओके सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा, कह रहा भैया कौन सा डायोड है जिसको हम लोग हॉट कैरियर डायोड भी बोलते हैं? अच्छा सर जी बात सिंपल है, अरे वाह सर जी, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के, हाँ बेटा सारे क्वेश्चन क्या है एग्जाम के हैं, इसलिए बेटा पढ़ा रहे हैं ठीक है। ओके सर जी ठीक है। तो तुमसे पूछेगा कोई कि हॉट कैरियर डायोड किसको बोलते हैं, तो भैया बोलते हैं किसको, शॉर्ट की डायोड को। बोलो यस और नो, जी सर जी बिल्कुल बात बराबर है। तो भैया शॉर्ट की डायोड बेटा क्या, शॉर्ट की डायोड बेटा क्या ये, ठीक है बच्चा इसको ध्यान से दिमाग में रखना। ओके सर जी ठीक है, शॉर्ट की डायोड। ओके सर जी बिल्कुल। तो ये सब बेटा क्या बकैती वाले क्वेश्चन है, तैयार रखिए खेलने के लिए। अच्छा अब ये पूछ रहा है कि भैया हमको बताइए कि यहां पर जो आपका सिंबल दिया हुआ है, इस सिंबल का भैया तुम्हारा नाम बताओ। हमने कहा ना बेटा कि हमको डायोड को सिंबल देखकर नाम आना चाहिए पहले, बाद में इसके अंदर चला जाएगा डिटेल में, अभी हमारे लिए वो पेपर वन देना है पहले। अच्छा तो भैया आपको कौन सा ये सिंबल किसका दिख रहा है, थोड़ा सा देख के बताओ। सभी लोग कोशिश करो बेटा, आएगा आएगा नहीं आएगा बेटा, इसको सीख लेंगे यार, क्या जाता है सीखने में, क्या जाता है ना बेटा, सीखना है तो सीखना है बेटा, आज नहीं आएगा लेकिन आज सीख लेंगे, एग्जाम में आएगा तो गलती नहीं करेंगे ठीक है। चलो ग्रेट। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सब लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं आ रहा है बेटा कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे बेटा, सीखना है और सीख के रहेंगे। ये जो डायोड है ना बेटा, ये क्या है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गन डायोड। क्या भैया, गन डायोड ठीक है भैया। ओके सर जी ठीक है। तो दो डायोड क्या है बेटा आपके यहाँ पर लगे हुए हैं, दिस इज कॉल्ड योर गन डायोड। ओके सर जी ठीक है ठीक है। उसके बाद देखो ये गन डायोड का सिंबल है, आप इसको दिमाग में रखिएगा। अच्छा ठीक है सर जी। उसके बाद पूछ रहा है कि हमको ये बताओ कि एक डायोड होता है जिसका नाम होता है जीना डायोड, इसमें तुमको बताना है कौन सा सही होता है आंसर। सर जी जीनर, हाँ बेटा जीनर, ऐसे होता है ना बेटा जीनर, ऐसे होता है, ये होता है जीना डायोड ना बेटा, जेड बना होता है ऐसे, जेड, ये रहा जीना डायोड। भैया जीना डायोड में बताना है भैया कौन सा सही है, बता लीजिएगा। यस सर जी बिल्कुल बता लेंगे, चलो बेटा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऑलमोस्ट सब लोग का आंसर सही आ रहा है, ग्रेट। देखते हैं क्या है आंसर, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आराम से खेलिएगा। ओके सर जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट ठीक है। चलिए घुमाता है बेटा, ऐसे घुमाता है, पूछ रहा है तुमसे जीनर, तुम्हारे माइंड में क्या चलेगा, एस सी आर। अरे बेटा ये है क्या, नाम ही देखो बेटा क्या ये है, तो भैया डायोड ही ना बेटा, यहाँ कुछ भी लिखा हो है तो ये डायोड। भैया डायोड में तुम्हारे कितने पीएन जंक्शन होते हैं बेटा, एक ही ना होता है, ये रहा पी, ये रहा एन, यहाँ रहा बैरियर। तो बेटा तुम्हारा चाहे जीनर हो, चाहे बेटा क्या तुम्हारा यहाँ पर डायोड, जितने भी डायोड होते हैं बेटा उसमें क्या होता है, एक ही ना बेटा पीएन जंक्शन होगा। बोलो यस और नो। तो ये सब बकैती वाले क्वेश्चन वो पूछता है ताकि तुम जल्दबाजी में तुम्हारे माइंड में क्या आ जाए, एससीआर, और एससीआर में कितने होते हैं पीएन जंक्शन डायोड, आप कहोगे सर जी वहां पर दो होते हैं, तुम दो मार दोगे, इसलिए उसने ए दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा ये डायोड है, ये SCR नहीं है बेटा। हाँ अगर SCR होता तब तुम ये मारते तो जरा सही होता, ठीक है, ये बात तुम समझा। बोलो यस जी सर जी बिल्कुल। अच्छा यही ना है जी जीना डायोड, हाँ सर जी यही है जीना डायोड। अच्छा भाई ठीक है, एक बार निहार लो इसको ताकि तुमको लगे कि हाँ यार यही जीनर है। अच्छा भैया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा रुक गया भैया, फिर मिलेंगे तुमसे, आगे बढ़ते।
अच्छा बेटा ये क्या है, ये याद है बेटा आपको कि जो जीनर डायोड होता है बेटा वो किस में काम करता है, फॉरवर्ड बायस में कि रिवर्स बायस में। आपको अगर सर जी रिवर्स बायस में जीनर ब्रेकडाउन बढ़ जाए तो ठीक है। और एक होता है एवलेंची, अभी के लिए इतना ध्यान रखिएगा जो एवलेंची होता है वो ज्यादा होता है जीनर से, ठीक है ना बेटा, ये ध्यान रखिएगा। रिवर्स बायस में ये काम करता है जीनर डायोड, और बेटा याद रखिएगा आपको इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। पूछा हुआ एग्जाम में ना बेटा, देखो पूछा हुआ एक क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द वोल्टेज रेगुलेटर, कौन सा हम लोग यहां पर जो डायोड है उसको यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। भैया 10 रुपए की चीज है ये, हमारे महंगे टीवी को खराब ना कर दे बेटा जो बिजली आपका फ्लक्चुएट कर रही है, इसलिए हम लोग जीनर डायोड यूज करते हैं रिवर्स बायस में, ताकि बेटा वो हमको एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज दे सके। तो ये दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर जी ठीक है, उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन जीनर डायोड पर बनता है। अच्छा सर जी बनता तो है, तो पूछ क्या रहा है देख लेते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको बताओ यहां पर जो VL लिखा है ये कितना होगा, जो VL है वो कितना होगा। कोशिश कर सकते हो बेटा आप लोग, हाँ जी कर सकते हैं, समय है ना कि जा रहे हो भगवान सो रहे हो, सर जी बता लेंगे, बता लो बेटा, कोशिश कर लो बेटा क्या जाता है, कोशिश करने में क्या जाता है बेटा। अच्छा सर जी कोशिश करते हैं, बता लो बेटा, सिंपल है, ओके सर जी सिंपल है करते हैं, 2 मिनट दीजिएगा। हाँ बेटा बिल्कुल देंगे, सिंपल है आराम से एक बार करेंगे, यस सर जी बिल्कुल एक बार में करते हैं, समय दीजिए, ओके सर जी बिल्कुल 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 ठीक है। चलो ध्यान रखिएगा यहां पर तुमको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। अच्छा सर जी एज्यूम करना पड़ेगा, अच्छा हम देख रहे हैं सबका आंसर, गलत हो सही हो चलेगा बेटा, उसके लिए वरी मत करिए, जो भी मन करे वो दीजिए। अच्छा देखो बेटा क्या है, इसको पहले हम करते हैं बड़ा, हाँ सर जी बड़ा करिए, इसको दिख नहीं रहा है, रात हो गया ना सर जी, अच्छा ठीक है बड़ा कर दिया, ठीक है बड़ा। हमको पहले इतना बताइएगा जीनर डायोड में जो R होता है जीनर का बेटा वो क्या होता है, ज्यादा होता है कि कम होता है। बेटा R जो होता है जीनर का बहुत ज्यादा होता है, क्या होता है बेटा, जो जीनर का रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अच्छा तो भैया इसमें जो करंट होगा हम उसको मान सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट कितना होगा, जीरो होगा। बोलो यस सर, भैया जब कुछ नहीं दिया है तो यही हमारे पास ऑप्शन है बेटा, यही ना ऑप्शन होगा भैया कि हमारे पास भैया जब नहीं दिया है कुछ तो करना पड़ेगा ही। अच्छा तो यहां देखो बेटा क्या है, ये है ये है ये है, काम खत्म है। भैया देखो हमको क्या करना है, यहां पर 10 दिया हुआ है, ये आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहां पर करंट निकाल लो, और उसके बाद तुम्हारा बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, आपका वोल्टेज आएगा। तो भैया यहां पे देखो 10 बटा में टोटल आपका क्या बेटा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो गया बेटा कितना आपका, यहां पर आपका 2.5 आपका 4 हो गया, तो कितना करंट कितना हो गया बेटा, करंट टोटल कितना आ गया 2.5। बोलो यस और नो, जी सर जी बिल्कुल। अब बेटा उसके बाद तुम इसको क्या कर लो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा वोल्टेज हो जाएगा। बोलो बच्चा हाँ या ना, खेल जाए कि नहीं खेल जाए बेटा, आप क्या थोड़ा बेटा ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या दीजिएगा, सब लोग का आंसर आ जाएगा बेटा। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए बेटा तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एज्यूम रखना है कि भैया अगर यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया है तो हम जीरो मान लेंगे, अगर दिया होता तो भैया उसको माइनस प्लस करके कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमको पूछ रहा है वोल्टेज, यहाँ पर VL हमको भैया कुछ दिया नहीं है, हमने मान लिया भैया यहाँ पर करंट जीरो होगा, बाकी बेटा ये सर्किट आपको कंप्लीट करके ओम्स लॉ लगाया बेटा सॉल्व कर लिया, खेल जाएगा। जी सर जी, तो जीनर पर कम से कम 30-40 क्वेश्चन बेटा करेंगे हम लोग, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता है, कभी ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा, कभी आर की वैल्यू पूछ लेगा, ये तीनों ही कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि आराम से पहले ये बेसिक पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चा लोग, ओके सर जी। अब बेटा यहां से अगले 5 मिनट में रैपिड फायर, 5 मिनट में, हाँ बेटा 5 मिनट, 5 से 10 मिनट में रैपिड फायर। सो तो नहीं रहे बेटा, सो तो नहीं रहा तुम लोग, सो रहा है तो मेरे बता दो रोक देते हैं, अगर सो रहा है भैया देखो आजादी है, ठीक है भैया आजादी है तो भैया डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। बोलो यस सुनो, 5 मिनट दे दे क्या बेटा, 5 मिनट कर लो, 5 मिनट बेटा खुल जाते हैं, कर लेते बेटा। ये देखो एक हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, अब भैया हमको खाली इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा ना बेटा टॉप करना है, हमको सब कुछ आना चाहिए भैया, रैपिड फायर में सब कुछ होता है। बोलो यस सुनो, जी सर जी आप बेटा खेल लेते हैं 10-15 मिनट और बेटा, 10-15 मिनट कम सो गए तो क्या चलेगा भैया, क्या जाता है, ठीक है ओके सर जी आइए मारते हैं खेलते हैं इसको, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या भैया पूछ रहा है कि एक इसमें एक ऐसा डिवाइस है 2 टर्मिनल
जो कि पैरेलल इनवर्स कॉम्बिनेशन होता है सेमीकंडक्टर का, और उसको तुम किसी भी डायरेक्शन में ऑपरेट कर सकते हो, उसका नाम बताइए। सभी लोग एक बार में, सभी लोग एक बार में कह रहा भैया एक ऐसा इसमें डिवाइस है जो दोनों डायरेक्शन में काम कर सकता है, दोनों ही डायरेक्शन में काम कर सकता है, इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है? तो सर जी क्या आंसर दीजिएगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर जी हम लोग सी क्यों नहीं मार रहे हैं बेटा? सी इस देखो बेटा, ये भी क्या है, ये भी क्या है बेटा? बाई डायरेक्शनल है, और ये भी क्या है बेटा? बाई डायरेक्शनल है। दोनों ही क्या करेंगे? दोनों ही दिशा में करंट फ्लो करा सकते हैं। बट द बेटा यहां देखो कह रहा है, हमको पता बेटा ये क्या होता है, ये थ्री टर्मिनल डिवाइस है बेटा। ये क्या है? ये थ्री टर्मिनल होता है। ये क्या होता है बेटा? टू टर्मिनल होता है। भैया हमसे पूछा क्या है? टू टर्मिनल डिवाइस बेटा। तो टू टर्मिनल में क्या आएगा? डायग आएगा बेटा। अगर यहां पर लिखा होता थ्री टर्मिनल, तो भैया थ्री टर्मिनल में क्या लगाते? ट्रैक लगा देते बेटा। याद रखिएगा, सिंपल सी बात याद रखिएगा, ट्रैक क्या होता है? दो SCR क्या होते हैं? एंटी पैरेलल में होते हैं। यहां पर क्या होता है? दो डायोड होते हैं एंटी पैरेलल में। ठीक है बच्चा? ओके सर जी, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि हमको ये बताइए कि पाई रिप्रेजेंटेशन है, ABCD पैरामीटर है, पावर सिस्टम है। अच्छा ठीक है, सी पैरामीटर क्या होगा इसमें? पाई में सी पैरामीटर क्या होगा? सर जी सी 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 पाई में। अच्छा पाई 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 में क्या हो रहा है? दो बार सी टूट रहा है, वाई दो पार्ट में टूट रहा है। तो सर जी सी कितना हो जाएगा आपको बताना बेटा? तो सी कितना हो जाएगा भैया? तो यहां पर सी भैया कितना हो जाएगा? सब लोग आंसर दे पा रहा है कि नहीं? यस सर जी बिल्कुल दे पा रहा है, सब लोग का आंसर आ रहा है, अलग नहीं आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा पाई रिप्रेजेंटेशन में जो सी पैरामीटर होता है बेटा वो क्या होता है आपका? बोलो सर खेल जाएगा, बी होता है। बोलो ऐसा नो, अगर हम पूछ लें पाई रिप्रेजेंटेशन में जो बी पैरामीटर होता है वो कौन सा होता है बेटा? ये तो सी पैरामीटर हो गया, बी पैरामीटर कौन सा होता है बेटा? बी पैरामीटर की वैल्यू क्या होती है? अगर हम पूछ लें ABCD पैरामीटर में पाई मॉडल में जो बी होता है पैरामीटर वो क्या होता है बेटा? तो सब लोग का आंसर आ जाएगा, यस सर जी बिल्कुल आ जाएगा, एंड आंसर इज ग्रेट, सब लोग सही दे रहे बेटा। बी क्या होता है? जेड। बी क्या होता है बेटा? जेड होता है, यस सर जी बिल्कुल। सी क्या होता है? ये होता है। इसका सी का यूनिट क्या होता है? मो होता है। इसका यूनिट क्या होता है? ओम होता है। इसलिए याद रखिए बेटा ABCD पैरामीटर में क्या होता है, चाहे वो तुम कहीं पर भी निकालो, बी क्या होता है? ओम होता है। सी क्या होता है? मो होता है। और ए और डी यूनिट लेस होता है। तो बेटा ये सब चीजें भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है तरीके से। अच्छा भैया ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या तुम बता सकते हो कि भैया यहां पर ये सारे तुमको फुल फॉर्म याद है? सर जी याद नहीं है तो याद कर लेंगे। अच्छा तो बड़े तुम लोग याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये तुमको सारे फुल फॉर्म पहले याद कर लो, बाद में इसके बारे में हम लोग डिटेलिंग करेंगे, पूछ सकता है एग्जाम में। अच्छा भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन है, ये कर लोगे तुम लोग, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आराम से। क्वेश्चन क्या है? दो कंडक्टर है, उसके रेडियस आर दिया है, डिस्टेंस डी दिया है, पूछ रहा है कैपेसिटेंस क्या होगा उनके बीच में। दो कंडक्टर के बीच में जो सी होगा उसका फॉर्मूला पूछ रहा है बेटा, निकाल लीजिएगा ना। हाँ सर निकाल लेंगे, क्या होता है बेटा सी? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू LN GMD बटा में GMR। तो GMD मतलब क्या होता है बेटा? कैपिटल आपका डी, और GMR मतलब आर। बेटा यहां पर आंसर क्या जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो यस और नो, खेल जाएगा सब। ये बेटा रैपिड फायर है, एक बार में फायर मारो बेटा, और ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में जल्दी कर देना। ओके सर जी, अगला क्वेश्चन, भैया कह रहा है कि एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं प्लगिंग। भैया जो प्लगिंग होता है उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही बोल रहा है? कौन सा स्टेटमेंट सही बोल रहा है बेटा? बोलो यस और नो। जी सर जी बिल्कुल। अरे प्लगिंग एक तरह का क्या है बेटा? आपका एक नाम दिया हुआ है, और प्लगिंग में एक्चुअल में होता क्या है बेटा? तो प्लगिंग में एक्चुअल में होता क्या है बता दो भैया इसको, ताकि ये थोड़ा सा बुरा ना माने। ठीक है चलिए, तो सब लोग यहां पर आंसर देखो बेटा, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो आंसर देखो जल्दी से। ओके सर जी बिल्कुल। तो यहां पर बेटा ऑलमोस्ट सब लोग का आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, याद रखिए बेटा प्लगिंग में क्या होता है बेटा? आपका हम लोग क्या करते हैं, ये एक तरह का ब्रेकिंग है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मोटर का डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, और मोटर की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं बेटा? हम लोग एसी में
फेज सीक्वेंस चेंज करो, ये डीसी है, अब यह कनेक्शन को हम लोग रिवर्स मार देंगे, ठीक है। तो याद रखो बेटा इसको, बोलो यस और नो, जी सर जी बिल्कुल खेल जाएंगे, हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो ओपन में बेटा, ओपन में पूछ रहा है कि हमको बताओ कि यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो कितना होगा अगर तुमको ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है तो। खेल जाओगे, कोशिश कर लो बेटा, कोशिश करने में क्या जाता है, एग्जाम में आ चुका है, दोबारा आ जाए तो भैया खेल जाएंगे। ओके सर जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ध्यान से खेलेंगे, जी सर जी बिल्कुल ध्यान से, ऑलमोस्ट सब लोग यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, ग्रेट ग्रेट एंड ग्रेट, ठीक है, चलो वेरी गुड। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना बच्चा, देखो बेटा क्या है, यहाँ पर जो इनपुट है वो आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है, देखो तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा, दिस विल बी योर 1+ RF बटा में RI इनटू इनपुट वोल्टेज। बेटा यहाँ पर RF क्या है बेटा, इसको बोलते हैं RF, फीडबैक रेजिस्टेंस, ये होता है इनपुट रेजिस्टेंस, वैल्यू पुट कर दो बेटा आंसर आ जाएगा 1+ RF 2R बटा में R इनटू बेटा इनपुट वोल्टेज VS, बड़े कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 3 VS, सो सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ओके सर जी बिल्कुल खेल जाएंगे, आओ बेटा उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और बेटा अगला क्वेश्चन ये तुम्हारा बेटा, इसको लास्ट रखते हैं आज का, और उसके बाद इस क्वेश्चन का, नहीं बेटा एक क्वेश्चन और है उसको भी कर लेते हैं। ए बी सी डी, बेटा हम यहाँ पर वैल्यू लिख रहे हैं, हम लिख रहे बेटा क्या यहाँ पर, ए बी सी और डी, तुम बताओ 1 2 3 4 3 4 2 1 4 3 2 1 क्या होगा आंसर, तुरंत बताओ बेटा। मॉस्फेट हमने दे रखा है GTO UJT ट्रायक 1 2 3 4 3 4 2 1, क्या बोलोगे बेटा, एक बार में आंसर देना। ओके सर जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इससे क्या होता है ना बेटा कि एक क्वेश्चन से 3-4 चीजें रिवाइज होती है बेटा इससे, तो ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा भाई ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है तो करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बेटा हमने ये देखा कि सिंपल सी बात बेटा, मॉस्फेट हाई स्पीड होता है इसका, अच्छा 3, GTO निगेटिव गेट से ऑफ हो जाता है 1, अच्छा UJT और ट्रायक, वे ट्रैक क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है 2, अच्छा भैया और ये क्या हो गया भैया, यहाँ पे आंसर क्या हो गया बेटा आपका, खेल जाओगे उल्टा उल्टा कर दे क्या, यहाँ पे क्या तुम लोग बेटा क्या है, यहाँ पे देखो ये जो UJT है बेटा वो क्या हो जाएगा आपका, UJT हो जाएगा बेटा ट्रिगरिंग सर्किट के लिए, और बेटा ट्रैक क्या है बेटा आपका, बाई डायरेक्शन बेटा, याद किया 3 1 4 2 सबका आ रहा है, यस सर जी बिल्कुल आ रहा है, खेल जाएंगे। चलिए बेटा ध्यान से ऐसे क्वेश्चन खेल जाओगे, एक बेटा BEE कर लो, BEE का क्वेश्चन कर लो सिंपल सा, कह रहा भैया अगर तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है भैया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है, लेस देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उस केस में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, कोशिश करते हैं बताने की बेटा, बता लो, कोशिश कर लो बेटा बताने की, और बेटा लाइक कर सकते हो तो कर दीजिएगा अगर बातें समझ में आती, बिकॉज आज का टारगेट 150 का था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 150 मतलब कि सुबह होते हो तो वो 250 चला जाता है भैया, जब तक लाइव है तब तक तो बेटा हम 150 का टारगेट रखते हैं, तो इसको ध्यान से देखते रहिएगा, करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा बेटा, और लाइफ को एकदम एक्टिव रखिए, इंप्रूवमेंट करिए, सिलेक्शन लीजिए, बिल्कुल सर जी आइए। तो भैया लेस देन रेजोनेंस पे क्या होता है आपको पता है बेटा, सीरीज में क्या होता है बच्चा, सीरीज में आपका सर्किट कैसा होता है, कैपेसिटिव होता है, यस सर जी, पैरेलल में कैसा होता है बेटा, इंडक्टिव होता है, यस सर जी, ये तुम लोग ध्यान रखोगे तो यहाँ पर भैया क्या मारोगे आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, बोलो यस जी सर जी बिल्कुल खेल जाएंगे। ओके सर जी ठीक है, अरे वाह तुम लोग यार बहुत जल्दी बात मान गए, ओके सर ठीक है भैया, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सर जी अगला क्वेश्चन देख लो बेटा, क्या क्लिपर और क्लैंपर सर्किट बेटा हम लोग क्या करेंगे, अलग से पढ़ेंगे, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है ये बेटा आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, ताकि बेटा सुबह भी तो उठना है, जाइएगा नहीं तो फिर आइएगा कैसे, ठीक है कहाँ का बेटा है, अच्छा ना पूरा सुने ना कहीं मूवी का, जाइएगा नहीं तो आइएगा कैसे, ठीक है ना बच्चा, तो यहाँ पर आंसर इसका दीजिएगा नहीं तो भैया फिर आगे कैसे दीजिएगा आंसर, ठीक है सर जी बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ बेटा आंसर क्या हो जाएगा, सब लोग एक बार में खेल जाएंगे, क्लिपर सर्किट में हम क्या चीज यूज नहीं करते हैं, तो भैया हम लोग क्या चीज बेटा यूज नहीं करते हैं, दैट इज योर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक चीज का बेटा आंसर देंगे, ध्यान से खेल जाएंगे, जी सर जी, और बेटा ये तुम्हारे लिए क्या रहेगा बेटा, आराम से क्वेश्चन का सब लोग आंसर दे रहे हैं, जी सर जी बिल्कुल दे रहे हैं,
ध्यान से देखो बेटा, क्या क्लिपर सर्किट में हम लोग कैपेसिटर यूज नहीं करते हैं बेटा, ठीक है। ये छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी बेटा आज के लिए सेशन को यहीं तक रखते हैं। बोल बेटा बातें, आज का सेशन कैसा लगा बेटा, अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, बिकॉज सिलेक्शन लेना है बेटा, सिलेक्शन लेना बेटा। और इनको भी सलाम कर दीजिएगा, बिकॉज घूम फिर कर देश है तो हम हैं, हम हैं, तुम हैं, सब हैं, ठीक है। इसलिए देश सबसे सर्वप्रिय। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और जो समझाते हैं वो समझा करिए, वो कहीं इंटरव्यू में नहीं बताते हैं, ठीक है। तो बेटा क्या करेगा, तुमको तो ब्लैकलिस्ट करेगा ही, तुम्हारे साथ जो जाएगा इंटरव्यू उसको ब्लैकलिस्ट कर देगा, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह से हंसते खेलते बेटा आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। इसे कहते बेटा पढ़ने का तरीका, कि भैया 2 घंटे से ऊपर हो गया पता नहीं चल रहा है भैया, ये तुमको अगर 50 दिन बैठ गए बेटा कौन तुम्हारा रुकेगा सिलेक्शन, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। इस तरह से बेटा सीखते रहेंगे, खेलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जस्ट बस कीप ब्लेसिंग, कीप स्माइलिंग एंड बेटा बी ब्लेस्ड, हमेशा ब्लेस्ड रहिए बेटा, और सबसे ऊपर पढ़ाई, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा। और इस तरह से अपना बेटा फीडबैक जरूर दिया करिए, बिकॉज आपके फीडबैक से ही पता चलता है कि हाँ हम लोग ठीक से और कहाँ पर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं बच्चा लोग, ठीक है बच्चा लोग। जी सर जी बिल्कुल, बस यही बेटा छोटी छोटी चीजें हैं। आगे बेटा थोड़ा सा हम यहाँ पर अन अकेडमी के बारे में बता देते हैं भैया। ये देखो बेटा अन अकेडमी के बारे में क्या है, AAI का बैच चल रहा है बेटा, आप लोग उसको अवेल कर सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। SSC JEE चल रहा है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, मेजर चेंज वही है बेटा। और उसके बाद ये सारे टीचर्स आप लोग को पढ़ाएंगे बेटा। ये क्या है, शेड्यूल्स है क्लासेस की, ऑल इन वन बैच चल रहा है, ये सारी टीम आपको पढ़ाएगी बेटा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बेटा क्या है, प्राइजेस हैं जो कि आपको ध्यान रखना है प्लस बैच के लिए। और बच्चा यहाँ पर सेकंड थिंग, कोड याद रखिएगा, GA1111, इससे क्या बेटा मैक्सिमम जैसा मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, जय हिंद, ठीक है बेटा। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस टू एवरीवन बेटा, बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए एंड खेलते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।